तो समझ नहीं आता मेरे की घर का किराया नहीं दे रहे मेरे को और मेरे को परेशान भी किया भाई लोगों ने। कौन है आप? एक दफा फिर बोलना, क्या बोल रही हो? अरे कौन है आप? बहुत अच्छे, हमें बोल रही हो कौन है आप? आप बताओ आप कौन हो, इस घर में क्या कर रही हो? मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ। आप कौन है? क्या हो इस घर की नौकरानी हूँ? नौकरानी? बहुत अच्छे, तुमको नौकरानी किसने रखा? इस घर के मालिक मकानों ने। घर के मालिक मकानों ने? हाँ, घर में चार चार मालिक मकान है। अरे वो मालिक मकान नहीं है, मालिक मकान मैं हूँ, वो तालो मेरे किराएदार है। क्या बात कर रहे हैं आप? एक बात सुनो, तुमको तनख्वाह पूरी देते? हाँ, चारों मिलकर पूरी देते। बहुत अच्छे भाई, हम तो किराया नहीं मिल रहा छह छह महीने का, इसको तनख्वाह भी मिल रही है। एक मेरी बात सुनो भाई, मेरे को किराया चाहिए छह महीने का। छह महीने का किराया? छह महीने का किराया नहीं दिया तारों ने मेरे को। मुझे तो नहीं मालूम, अभी घर में कोई नहीं है। अभी घर में कोई नहीं है? नहीं। उन चारों को बता देना मालिक मकान आया था, किराया चाहिए मुझे। मैं बता दूंगी जब वो आएंगे तो। बता दूंगी मैं जब वो आएंगे तो। और एक बात और सुन लो, अब के किराया नहीं दिया ना तो मकान खाली करना पड़ेगा उनको। हाँ ये बता देना उनको, डाला हूँ मैं। एक बात सुनो, तुम तो इसी घर में हो ना? हाँ हाँ। मेरा आना जाना लगा रहेगा, समझते हैं ना? चलो ठीक है। ओहो, फोन की घंटी बज गई। हेलो। हेलो जी, कौन? जी मैं रक्षी बात कर रही हूँ। जी किससे बात करनी है? काशिफ है जी? नहीं, वो साहब तो घर पे नहीं है। ठीक है, फिर आप ऐसे कीजिएगा वो आ जाए तो आप प्लीज उन्हें बता दीजिएगा। ओके। ओहो फिर फोन बज गया। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो जी, कौन आप? जी मैं सवेरा बात कर रही हूँ, आसिफ है जी? वो घर में तो है मगर जहाँ है वहाँ मैं जा नहीं सकती। कहाँ है? वो गुसलखाने में नहा रहे हैं। ओ अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, मैं बाद में फोन करूंगी, आप उन्हें बता दीजिएगा कि सवेरा ने फोन किया था। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। जी रे हैं, सुबह हुई नहीं और दोनों साहब के फोन आ गए, एक मेरे लिए ही कोई फोन नहीं आता, लगता है ये घंटी मेरे लिए ही बजी है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 13 तारीख को अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलवाइएगा। क्या जा तेरा बिड़ा कर रखो, फोन आया भी तो किसका आया, पोलियो के कतरे पिलाने वालों का? चंदा जी, साजी। अरे कहाँ है चंदा? अरे कहाँ रह गई चंदा? अरे चंदा कुछ तू ही बता, मेरा अफसाना बेताब है दिल क्यों दीवाना, कुछ तू ही बताना। साकी चा पानी घर में है? काशिफ वो भी नहीं है। इसका मतलब घर में तुम अकेली हो? जी साहब जी। लड़की अकेली और मैं भी अकेला, आज ना तुझे कोई रोकने वाला है ना मुझे कोई टोकने वाला। क्या साथी? अबे डर तो सही, तुझे कोई रिएक्शन नहीं है, माशाल्लाह। छोड़ इन बातों को, मैं तो ऐसे एक्टिंग कर रहा था मगर तेरी तरफ से भरपूर रिस्पांस नहीं आया, मैंने अपनी एक्टिंग खत्म कर दी। तू ये बता चाय तैयार है? जी साथी तैयार है। अच्छा बाथरूम किसी का फोन तो नहीं आया? हाँ साथी, सवेरा अरबी का फोन आया था। अच्छा सवेरा फोन आया था जी? क्या कह रही थी? पूछ रही थी आपका। अच्छा मेरा पूछ रही थी, क्या बोला? क्या पूछ रहे थे? आसिफ साहब कहाँ है? मैंने कह दिया गुसलखाने में नहा रहे हैं। तो वहाँ आके बता देती, अब छोड़ दफा कर। अच्छा ये सवेरा का तूने देखा नहीं अभी? आपकी टीम ने कहती है ऐसी आफत है, मैं नहीं कहता मोहल्ले वाले कहते हैं। कहते भाई क्या बात है यार, सवेरा है बड़ी खूबसूरत। वैसे साहब जी एक बात कहूँ, औरत को तो कुदरत ने बनाया ही खूबसूरत है, तो मर्दों को क्या मलिर नदी की बजरी से बनाया? चीजें निकल गई उन मर्दों की जिनको मलिर नदी से बनाया। और तू ये बात कर रही है, अल्लाह का शुक्र है मर्द हसीन है, औरत क्या है? तुम्हें पता ही नहीं है आजकल की औरत जब बनी ना तो उसमें कितनी चीजें डालनी पड़ी है, चीते से लिए चालाकी, लोमड़ी से होशियारी, सांप से डसना लिया, तब जाके आजकल की औरत तैयार हुई है।
आसानी से नहीं बना। तो कैसे बना? क्या कीचड़ की मिट्टी से बना? जी नहीं, उसके लिए बेवफाई ली, उल्लुओं की तरह रात में जागना लिया, गिरगिट की तरह रंग बदलना लिया। अच्छा। और तो और शैतान की शैतानियत मिलाई, जब जाकर कहीं आज का मर्द बना है। दबाकर मर्दों की बातें मुझसे क्यों कर रही है तू? मेरा मतलब ये कि छोड़ दबाकर, ये तो दोनों ही इस तरह के होते हैं, मर्द और औरत। तू अपनी बात कर। क्या चाय तैयार है? जी साहब जी तैयार है। फिर बना के पिला दे एक प्याली अपने हाथों की। जाती हूँ मैं। टाइम पास तो होता है हमारा बेड़ा भरा, को इन लोगों को समझ में नहीं आती कहाँ चलेगा जापानी और काशिफ। आशिफ आशिफ नुकसान। मुझे क्या पता इतने बड़े ट्रालर से टकराऊंगा मैं। बेटा इंडिकेटर दे के मिला करो ना। खामोश गाय का खामोश। तेरे बाप की मैयत हो गई, आईसीयू में खड़े हैं यहाँ पे। ये 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 यूं यूं ना करा कर बे। यार रक्षी आई, रक्षी निकल ले, तू निकल ले। रक्षी आई है, तुझे खारिश आई है? मैं कह रहा हूँ तू निकल ले, बंद निकल ले। मैं नहीं निकलूंगा, रक्षी आई है, रिक्शा आया, मैं निकलूं यहाँ से। देख यार तू हमारे टाइम पे चिरान निकल यार, हमारा पीसा है, देख समझा करना, तेरी भाभी है वो। मैं तो भाभी है ना, तेरी तो ज़हनियत ही गंदी है। जब मेरे को कह रहा है मेरी भाभी है, भाभी माँ की जगह होती है और हमारा अब्बू जिंदा है, तू काहे की टेंशन ले रही है? ये वो तेरी भाभी है, लेकिन मुझे तेरे करेक्टर का भी पता है कि तू अंदर से कैसा कमीना है। ये बातें ना कर, ये दिल जलाने वाली बात ना कर, तुझे भाइयों की तरह समझता हूँ मैं, समझे? तुझे अपने अपने सामान पे भरोसा नहीं है, बुला ले। अबे तू तू जाना, देख कोई घटिया बनना। अच्छा, हम चले जाए। और जब मेरी वाली आती है सवेरा, तब तक तू घंटों घंटों खड़ा रहता, हम तो मना नहीं करते। जा अबे, तो तेरी वाली को तो बड़ा शौक है मर्दों में आने का, हमारी वाली कोई बेशरम थोड़ी है। क्या बात की यार, बेशरम नहीं है, दोस्तों में शर्म है या नहीं होनी चाहिए यार। कल को तू काम पे जाएगा, घर में वो अकेली होंगी, मैं आऊंगा, कहूंगा भाभी चाय पिला दो, चाय पिलाएंगे, मस्ती मजाक करेंगे हम लोग, भाभी देवर का रिश्ता ही ऐसा होगा। तुम्हारी तो ज़हनियत ही गंदी है। तू नहीं जाएगा? नहीं जाऊंगा। ये तेरा आखिरी फैसला? आखिरी, बिल्कुल समझ ले, सूली पे चढ़ाऊंगा, आखिरी फैसला है मेरा। ठीक है फिर, मैं ही बगैरा बन जाता हूँ, बनने की जरूरत है? लेकिन देख मैं बुला रहा हूँ, कोई घटियापन मत करियो, मैं बता रहा हूँ तेरे को। क्या 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 क्या? कोई घटियापन मत करियो। थोड़ी देर के लिए तो खेलने देता ना, पकोड़े बनाने दे, लगी ना। हाँ तो सीनियर है ना, क्या करे। बुलाता हूँ रक्षी, रक्षी मैं बाल बना लूँ। हाँ, खराब कर दो। अच्छा है ना घर, कितना अच्छा है। रक्षी को मैंने देखा है, माशाल्लाह यार। रक्षी 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 भी रक्षी ना तो लिया अगर खुदा के बंदे, दिमाग खराब हो गया। नहीं पुराना बैल, कट्टा कट्टा, ऑस्ट्रेलियन कट्टा। हाँ कट्टा, हर वक्त नजर यूं रखता है अपना। रक्षी आप 6 रुपए वाले काजल की डब्बी पे आप ही की फोटो है, मुझे तो कर्लिंग वाले बाल है। मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। आशिफ ये टेल मी व्हाट हैपेंड। यू डोंट नो योर हैप्पीनेस इज नॉट 7 आवर स्टूपिड। ओए मेरे से इंग्लिश बोले, इसको समझा दे, मैं भी बहुत बड़े बड़े कॉलेज के आगे से गुजरा हूँ। देख ले फिर हम भी चिरान करेंगे, तेरा पीस आएगा तो मैं बता रहा हूँ। मैं भला करियो, मेरा पीस है, मैं पागल का बताऊँ, यहाँ लाऊंगा, मैं पार्क में ले जाऊंगा, पार्क में ले जाऊंगा। मैं बताता हूँ, ये मेरा दोस्त है आसिफ, इसकी अम्मी घर से भागी। रेस में हिस्सा नहीं लिया उसने? मेरी अम्मी ने असल में वो ओलंपिक की रेस हो रही थी ना, उसमें अम्मी भागी थी। हाँ तो फिर अम्मी समझे कि राउंड खत्म हो गया, अम्मी बोले अभी तो पता नहीं क्या है, मैं तो आगे तक भक्ति चली गई, अभी तो वापस नहीं आई। बारह मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, तू किस्सा भी कर ले, मैं जाऊंगा नहीं भाई। इस बेचारे को कैंसर है। इंसान का बच्चा बन हुए क्यों? मैंने तेरे एक्सरे नहीं देखा था, तेरे पेट में जो है वो पाँव का पंजा बना हुआ है। ये तो क्या कह रहे हो, पेट में पाँव का पंजा? माय गॉड, कोई एक बीमारी हो तो मैं बताऊं। एक्सक्यूज मी, आप समझी नहीं है, पाँव का नहीं था, हाथ का पंजा था।
गया था तो पंजा आ गया था। कोई बीमारी हो ये देख बीमारी नहीं छुपाते, कोई एक बीमारी हो तो मैं बताओ, काली खांसी, तपेदिक, पोलियो, खसरा, सब बीमारियों से मिलकर बनाया ये शरीर इसका। नहीं नहीं मैं तो बहुत दूर रहता, मैंने तो लीट भी नहीं ली थी इससे। ये तू गलत कर रही है, ज्यादती कर रही है, मेरे को कोई तो बीमारी ऐसी बता दे जिसमें शफा हो। कोई ऐसी नहीं है, मुझे सारी बीमारियां, इसका एक ही बीमारी है, स्वाइन फ्लू। ओह नो, ओह यस, माय गॉड, मैं किधर फंस गई काशिफ। हां हां, सिर्फ तुम सिर्फ मुझसे ही फंसी रही हो, मुझसे ही फंसी रही है ना। तू बोलेगा तो जाऊंगा मैं, मुझसे ही फंसी हुई है। जा माशाल्लाह, कोई लड़की है पतली दुबली, माशाल्लाह इतनी पतली दुबली, ऐसी है ना आदमी हाथ में लेके दांत साफ करता है ऐसी। ए मिस्टर, व्हाट डू यू मीन? I mean is Miss Adolf. This is 2012. ये क्या? कभी दौरा पड़ता है। चाय पियेंगे? हाँ चाय चाय चाय। ओके, ये नौकर है तुम्हारे घर, बताना था ना? नहीं नौकर नहीं है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है ये। अब किसी काबिल नहीं रहा ये गोलियां। एक्सक्यूज मी, आप क्या लेंगे? रिक्शा लेंगे? चाय के साथ बिस्कुट लाऊं? हाँ हाँ। और पेस्ट्री? हाँ, वेरी गुड। हाँ, अंदर तो मैंने दुकान खोली हुई है ना, खाली चाय आएगी एक प्याली, और तेरे लिए प्याली में पर्ची आएगी, ये चाय पी दे। दोस्त है, बड़ा चहेता है, हम लोग साथ रहते हैं ना, इसलिए बहुत मजाक करता है। वैसे काशिफ, तुम्हारा घर बहुत प्यारा है। तुम सुनाओ ना मेरी 32 दांतों की बच्चिया कैसी हो तुम? ये वही है जो बादाम पिस्ते खा रही है चरपाई पे बैठी हुई कालीन पे? नहीं भैया, वो तो ऊंची सी है। वो तो तेरी तरह तगड़ी है। हाँ, जिसकी आवाज भी बड़ी अच्छी निकलती है। कैसे? अभी भी देख लो, इंसान जानवर में बहुत फर्क है। अबे चला जा मस्त रीच, चला जा। माफ करे, चाय बनानी है? चाय 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 चाय। देखो काशिफ, तुमने मेरी इंसल्ट की है बच्चिया कहकर। मैं तो तुम्हें बकरी कहने वाला था, ये तो बच्चिया मुंह से निकल गया। तुमने अपनी शक्ल देखी है, बिल्कुल इतने बुरे बकरे की तरह है। क्या बात कर रही हैं आप, मुझे बकरा बोल रही हो? एक बात बताओ, मैं तुम्हें दिखने में कैसा लगता हूँ? बिल्कुल बकरे जैसे। तुम ऐसा करो, इस दफा कुर्बान तुम ही हो जाओ। मैं क्यों कुर्बान हो जाऊँ? कुर्बान कुर्बानी तो जायज लोगों की होती है ना, जायज जो। क्या तुम नाजायज हो? नहीं नहीं। की बात कर रहा हूँ, जो जानवर मतलब जो जाहिर होता ना, जो मतलब हलाल के काबिल होता है उसको हलाल किया जाता है, मैं इंसान हूँ। थैंक गॉड, मैं डर गई थी कि पता नहीं नाजायज। मैं भी डर गया था। मुझे अच्छा एक बात बताओ ना, मैं तुम्हें दिखने में कैसा लगता हूँ? अबे जाओ यार, जाओ जल्दी जाओ, तुम्हारा बेड़ा गर्क हो जाता है। अबे चल बे चल बे, फालतू बातें नहीं कर, चल यहाँ से। हां मक्का की बात कर रही यार, बंद कर। अजीब लोग हैं यार, खुदा की कसम यार। क्या हो गया? अबे एक लड़की को छेड़ दिया, बुरा मान गए? भाई तुम्हारी लड़की खिड़की में खड़ी क्यों होती है? अबे तो वो उसका घर है, खिड़की में खड़ी होगी। अबे तो खिड़की में खड़ी होगी तो लड़के छेड़ेंगे? क्यों छेड़ेंगे भाई लड़के? अबे जब लड़के नहीं छेड़ेगा तो लड़कियां समझती कि हम लोग इस काबिल ही नहीं है यार। खामा खाली बातें कर रही है लड़कियां। ये कौन है? ये कौन है? ये रक्षी, खुदा की कसम तू लाया। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी लड़की, हमारे घर में खुद बमबाट पीस आ गया है। कोई भाषा हाजा नहीं है, तेरी होने वाली भाभी है ये, खुदा की कसम। मैं भी यही बोलने वाला था। मैं जापानी, बाप पाकिस्तानी, माँ हिंदुस्तानी, बस यूं समझ लो तीन मुल्कों की मुश्तरका पेशकश। तो आपकी अपनी क्या पहचान? बस मैं पहचान है ना, आप कौन है? ये रक्षी रक्षी हो, अमरीन हो, समरीन हो, शादी करनी तो हाँ करो वरना भाई बोल के आगे बढ़ो।
क्या क्या कह रहा है? एक मिनट काशिप, इनको तो जवाब मैं देती हूँ। जी जी, मैं तुमसे शादी करूंगी। तो क्यों, मेरे में क्या खराबी है? मेरे में क्या लहरें आती हैं? तुम जैसे लोग जो है ना, दरख्त के नीचे पड़े सोते रहते हैं, और तुम जैसी लड़कियाँ हम जैसे लड़कों का माल खाती रहती हैं। अरे जाओ जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से, अपना काम करो। तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? तुमने अपने आप को क्या समझ रखा है? यहाँ से लड़कियों के पीछे पड़ जाने वाले लोग। अरे तो तुम भी दफा हो जाओ, लड़कों के पर्स पे नजर रखने वाली कौम। सुन, हट जा, मर्दों की बात हो रही है, हट जा। सीधा खबरदार, देख अगर कोई चिरान की तो मैं बता रहा हूँ, फिर तेरा पीस आएगा ना, हम भी चिरान करेंगे। ये मतलब क्या है? तेरे दिल का चैन है? ये मेरे दिल का चैन है। बस ठीक है, आज से ये मेरी बहन है। हाँ, खत्म, साफ खत्म हो गया। ये मेरा दोस्त है। वैसे कैसी हैं आप? ऐसी? अच्छा, क्या हो गया? आप इनसे शादी कर रही हैं? जी। आपको आपकी माँ की बदवा है, इनको इनकी माँ की बदवा है। क्या? इनकी माँ ने बदवा दी होगी, जा बेटी, तेरी शादी जानवर से होगी। मैं बता रहा हूँ, यही सीन मार मार के गिरा दूंगा मैं। कोई चिरान नहीं चलेगी। मेरा ख्याल है हम बाहर चलते हैं, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में बैठ के। तो बता, तू बेदा हुआ है, किसी ने चिकन खा के खींच ली है? मैं यही दबा दूंगा तेरे को। ओके, चले। मुझे पहले बता, ये कौन लोग हैं जो तुम्हारे साथ? तारुफ करवा, मेरा तारुफ इन टू टैक्स है प्लीज। ये मेरा दोस्त है, जापानी। जापानी? अच्छा, अब ये घर तो तुम्हारे ही नाम है ना? हाँ हाँ, आपको देख के बड़ा खूबसूरत। शेर अर्थ क्या है? आप इसे शादी करना चाहती है ना? एक शेर अर्थ क्या है कि गुलशन में फूल हैं वो तो खिलेंगे, गुलशन में फूल हैं वो तो खिलेंगे, आप इससे शादी कर लो, हम तीनों मिलके रहेंगे। हाँ। नहीं नहीं, इसकी शादी को मत जाना, क्योंकि ये ना शायर है और ना शायर का भतीजा। चले चले बाहर चले, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे। आओ, शादी पे ना माशाल्लाह फड़ी है कि अड़ी है? चले। तुम ना मोदी खड़े में ये घर मेरे नाम कर दो। अभी से हो गया तुम्हारे नाम? चले चलो, चलो। ओके, म्यूजिक। ओके चलो, ये अच्छा हुआ इसकी भी सेटिंग चल रही है, मेरी रोजी पता नहीं कब आएगी। लियाकत यार, इतने दिन से नजर नहीं आ रहा, लियाकत पता नहीं कहां गया हुआ है। लियाकत आ जा, फिर उससे बात करते मकान मालिक के बारे में। अबे यार, जिस आदमी को भी चाहत कर सुनो, एक ही बात कहता, ये खप्पे ये खप्पे ये खप्पे ये खप्पे। यार परेशान कर दिया। अभी मैं आ रहा था मोहल्ले में, हाँ। एक औरत मेरे पास भागती हुई आई। अच्छा। भाई साहब, मेरी अम्मा है ना, साथ में माले पे रहती है, वो जान देना चाहती है खिड़की से कूद के। अच्छा। तो मैंने कहा मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? हाँ। कहने उसने खिड़की का दरवाजा नहीं खोल रहा। यार तू गया कहाँ था? यार मैं कहाँ गया था? हाँ। मैं गोश्त लेने गया था। हाँ, फिर? तो कुत्ता छीन के भाग गया। अच्छा। मैंने कहा भाई मैं भाग तो सकता नहीं, कुत्ते को कहा भाई इसमें आलू डाल देना। इतना बेवकूफ आदमी है, कल खाना खा रहा है, कुत्ता आके इसकी सारी रोटी खा गया, उसको भगा नहीं रहा, उसको सिगरेट दे रहा है, बोल रहा भाई ना सिगरेट पियो, मैं आपके लिए बोतल लेके आता हूँ। यार पता नहीं, मैं आ रहा था ना तो गार्डन के अंदर, हाँ। एक लड़का और लड़की बैठे हुए थे। अच्छा। तो फैमिली वाले मुंह छुपा छुपा के जा रहे थे। हाँ। और मैंने कहा ओए क्या हो रहा है? कहना मियाँ बीवी है। घर पे जाओ। कहने अपने घर पे जाती है तो उसका मियाँ डांटता है, मैं अपने घर पे जाता हूँ तो मेरी बीवी मुझे डांटती है। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मैं सलील हो रहा हूँ इस घर के अंदर। यार अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह करेगा तो अमरीका करेगा क्या? चलो किराया पूरी दे दो सत्तार भाई को। कहाँ से दे? कितना कमाते हम लोग? पैसे की परवाह कर रहे हो? पैसा हो तो परवाह हो। यार तो किराया तो देना पड़ेगा यार, सत्तार भाई हर हफ्ते को मेरे को फोन करता है। यार तुमने फोन करता तो बाबा मोबाइल कहाँ है? तो समझा कर यार, किराया दो, पता क्या मैं बड़ी घड़ी घड़ी उसके मुंह नहीं लगना चाह रहा मैं। तो अब हम दे देंगे इसका किराया। किराया तू दे देगा? मैं दे दूंगा। अभी वो आया भी था थोड़ी देर पहले ना। हाँ। और एक बात सुन ले, अब सत्तार भाई आ जाए तो उसको तू कवर करना, मैं अंदर अंदर चाय पी लूं। और नौकरानी को कौन कवर करेगा? नौकरानी को कौन कवर करेगा क्या मतलब यार? उसका ख्याल करना सत्तार भाई का, नौकरानी का ख्याल नहीं करना। अच्छा, नौकरानी का ख्याल नहीं करना, सत्तार भाई का ख्याल नहीं करो। इतना बेवकूफ आदमी, हज के अंदर लोग शैतान को कंकरियां मार रहे, खड़े होकर बोल रहे हे खुदा मेरे अब्बू सलामत रहे।
ये शैतान का कंकरी मार रहा था, शैतान ने बोला यार शर्म करो तुम तो हमारे अपने आदमी हो। क्या नाम है तुम्हारा? मैं सवेरा। इसके बाद अंधेरा जी? इसके बाद अंधेरा, तू मेरी ये स्मार्ट आदमी तेरा। ए मिस्टर, तुम्हें औरत से बात करने की तमीज नहीं है शायद। तुम औरत कहाँ हो, तुम तो लड़की हो। माशाल्लाह तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत है। कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हो? आंखों से शैम्पू का क्या ताल्लुक? हमारे यहाँ सब चलता है। मुझे ये बात समझ नहीं आती, तुम लड़के लड़कियों को माँ बहन क्यों नहीं समझती हो? सब लड़कियों लड़कियों को हम माँ बहन समझेंगे तो शादी हम लोग क्या आयाश करेंगे? क्या क्यों बदतमीजी कर रहे हो तुम? आखिर तुम हो कौन? मैं लियाकत हूँ और यहाँ रहता हूँ। तुम्हें शायद पता नहीं औरतों के बारे में, समझे हो? क्या है औरत के बारे में? औरत एक खूबसूरत मोबाइल है, मर्द उसका चार्जर है। माशाल्लाह आपकी उम्र कितनी? मैं 16 साल की। तू 16 बरस की? तू 16 बरस की? मैं पैदा ही नहीं हुआ। क्या बदतमीजी है, आखिर तुम हो कौन? आप कौन है? तुम्हें क्यों बताऊं, मैं आसिफ से मिलने आई हूँ। आसिफ से मिलने आई हूँ? हाँ। मैं मर्द हूँ तो मैं क्या करूँ? तो मैं देखो गौर से मुझे। आसिफ, अल्लाह ने हुसन कूट कूट के भरा है। तो बस जरूर मत करना, वरना लोग कहेंगे इस बात पे गुरूर कर रहे हैं। पता है क्या? क्या? मेरी अम्मा मुझे चांद कहती है। चांद? चांद कहती है तुम्हें? असल में वो तोतली है, वो सांड को भी चांद कहती है। तुम्हें शायद पता नहीं है कि औरत एक खूबसूरत गाड़ी है। मर्द CNG? अरे? औरत क्या है? खूबसूरत गाड़ी है। मर्द एक मैखाना है। मैखाना? अगर बीमार हो जाए तो दवा खाना है, कोई मर जाए तो यतीम खाना है, अरे मर्द लाड़काना है, शादी हो जाए तो वलीमे का खाना है। कैसे बातें कर रहे हो, आखिर हो कौन? आसिफ कहाँ है? मैं आसिफ से मिलने आई हूँ। आसिफ से मिलने आई हो? हाँ। तो तशरीफ रखो ना। आसिफ, वो मोटा कहाँ मर गया? आस्ते चिका कर बे, आस्ते चिका कर बे। आसिफ, आसिफ डार्लिंग। ओ माय गॉड। अरे बीच में जाना। बोलो अबू दुबई का शेख है। आसिफ, एक मिनट, ये कह रहे मेरा तारुफ कराओ। अबू दुबई, अबू मैं दुबई में जो शेख है ना, ये इनके अबू हैं। अबू, अंकल। अंकल तुम्हारा बाप। अंकल ये खुदा को मान यार, कितना लोग हिसाब लगाते हैं ना, ये पीता है। अभी तो कह रहा था मैं पैदा ही नहीं हुआ। मैं इनका छोटा भाई हूँ। छोटा भाई हूँ, कद में। दांतों में कीड़े लगे हुए, लग रहा भुट्टा खराब हो गया। अच्छा बात सुनो, तुम मुझे एक मिनट, तुम मुझे ये बताओ कि ये है कौन? ये हमारे काम वाली मासी है ना, उसका बेटा है। तनख्वाह के पैसे लेने आया, इसकी अम्मी की दिहाड़ी है ना, वो लेने आया। कितने पैसे तेरी अम्मी के मजदूरी के? ले जा भाई, जान छोड़। अबे चल, उस दिन भी रोड दिया था, उसमें अफगानी लिखा हुआ था। क्या हुआ? अफगानिस्तान जब जाए जब चला लियो। एक्सक्यूज मी भाभी, बदतमीज हो बहुत। भाभी है ना मेरी। कहाँ से तुम्हारी भाभी हुई यार? तू छेठ है। खाना खाओगी? नहीं, इसका पेट भरा हुआ। जा। नहीं, खाना खाओगी? ये चारा नहीं खाती। जा। आसिफ डार्लिंग। जी जानू जा। डार्लिंग कितने कमजोर हो गए हो तुम? असल में एक महीने बाद आया था ना, सारा मेल उतर गया। खाना लाओ खाना। एक्सक्यूज मी, आप बातें कर रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो बीच में? ना ना ना। अच्छा सुनो, चिकन टिक्का लाओ। काहे का टिक्का ला रही है, तू चुप करके खड़ा हो। आसिफ, तुम कल कॉलेज क्यों नहीं आए हो? मैंने चाबी भिजवा दी थी चौकीदार को, मैंने कहा तू खोल लियो यार, मैं नहीं खोल लूंगा। मैं कल छुट्टी थी ना मेरी। जानू, मुझे बहुत भूख लग रही है। अच्छा चल भाई, आराम नहीं खाती। चल। नहीं नहीं, मैं सुनो, आप रोस्ट ले आओ। रोस्ट? नहीं नहीं, अच्छी बात है। क्यों लेना? अरे तेल होता है उसमें। चिकन टिक्का लाओ। आगा चिकन टिक्का ले आओ। नहीं बेकार, उसमें बर्ड फ्लू बना हुआ है। अरे छोर ले आ। निहारी ले आओ। निहारी नहीं। क्यों? बड़े की होती है, मैं बड़ों की इज्जत करता हूँ, खाता नहीं। चिकन 66 ले आओ। चिकन 66 ले आओ। आसिफ,
पिज्जा, काठिया वाली पिज्जा। गरीबों, कभी निकलना नहीं गरीबों। ये चला गया एक दफा पिज्जा खाने के लिए। ये पिज्जा खाने? पिज्जा इसके सामने रखा, ऊपर का सारी चीजें खा गया, नीचे के जो डबल रोटी रह गए ना, कह रहा आप भाई अपनी प्लेट ले जाओ। आपके लिए मैं ले आता हूँ चाय। चाय? चाय, वो भी ठंडी। कौन सी शर्त लगा दी यार, मैं क्या करूंगा, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे उसके साथ शादी करनी है, ये तो अजीब ही शर्त लगा दी है। अब क्या होगा यार? क्या कर रहा है वो, कमजोर दिल का भी होता है क्या? देर लेकर बातें कर रहा, पागल हो गए क्या यार? यार जापानी, खुदा की कसम मैं ऐसा नहीं हूं, पहले बता दूं। नहीं जापानी, जापानी बहुत प्रॉब्लम हो गई जापानी। मैं क्या बताऊं जापानी, एक प्रॉब्लम हो तो बताऊं, प्रॉब्लम में मैं फंस गया हूं। क्या हुआ? बहुत लंबी प्रॉब्लम है, अगर सॉल्व कर सकता है तो कर दे। आखिर तू मेरा कैसा दोस्त है? प्रॉब्लम क्या है? तू क्या लाल वेब को जीना समझता है? नहीं नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है? तू क्या देख के कूड़े में ताश खेलता है? तो प्रॉब्लम क्या है? दोनों पांचे में एक पांव घुसेड़ देता है? नहीं, प्रॉब्लम क्या है यार? यार बहुत खतरनाक प्रॉब्लम आ गई है, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत मजबूर हो गया हूं। तो आगे कसम, इतना बड़ा मुंह, इतना जब रोता तो इतना से खुलता। तू नहीं समझेगा, लियाकत, लियाकत।
हुआ क्या यार? मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है यार। इस तरह तो नहीं होगी, पहले खड़े हो जाओ। कैसे होगी? क्या हुआ क्या? हमको अचानक बजरी फूटने लगे यार। बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? तू भी नहीं समझेगा। आसिफ, आसिफ किधर है? आसिफ यार, आसिफ पहले ऐसे तो कर, ऐसे तो कर। ये समझ ले मैं कर ही रहा हूँ, मेरा वजन भारी है ना, पांव नहीं उठ रहे बस। यार आसिफ तुम्हें पता है, ये तो करने दे बस करना। तूने क्या नया स्प्रिंग डलवाया क्या? अरे क्या हुआ क्या मेरी जान? हुआ क्या बता? बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। बहुत खतरनाक प्रॉब्लम हो गई। क्या हो गया? कोई डाकू लूटने आ गया? अबे आराम से ना, लग रहा है इससे चीख रहे तेरे पर किसी ने टीटी लग दी है। यार एक मिनट मुझे कान दे। नहीं यार तू सांस लेगा, मैं इसके पेट में चला जाऊंगा यार। कौन इसकी लॉलीपॉप छीन गया? अरे लॉलीपॉप की बात नहीं है। क्या हुआ क्या यार? तुम लोग कैसे दोस्त हो यार? एक दोस्त की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते? बता ना, कब बताएगा? बता रहा हूं, मुझे दरअसल माँ बनाना है। बता भाई, बात कर तू इससे। क्या चाहिए तुझे? माँ चाहिए इसे, तेरी पुरानी औरतों से जान पहचान है, बात कर। वो यार उसके सारे मोबाइल नंबर खो गए, तू बता, तेरे पास तो बहुत है। मैं तुम्हें ग्रुप लेके जाता हूँ। मेरा दोस्त है यार, देख देख इसमें तो वो क्वालिटियां लगती भी। एक मिनट ठहर जा, माँ चाहिए तुझे? काय के लिए चाहिए पहले ये तो बता दे। यार मैं बता दूँ, वो दरअसल बात ये है कि रक्षी के बाप ने ना, रक्षी के बाप ने ना। अबे आस्ते चलो यार, मैं पीछे रह गया हूँ। अब मैं आगे आ रहा हूँ, तुम पीछे जा रहे हो। यार इधर मेरी बात सुनो, सीरियस हो गए यार। हाँ सीरियस हो गए। हाँ बोल क्या हुआ? सीरियस आ रहे थे मेरी सीरियस। बाप पास हो गया। सुन ना यार, इलाके में छापे पड़ता हूँ। चलो चलो उधर। तो क्या तेरे घर का सोफा था? क्या हुआ क्या हुआ क्या? दरअसल पीछे आ जाओ। हुआ क्या ये तो बता दे। कहाँ लेके जा रही है? बात बहुत सीक्रेट है यार। बस बैठ के कर लेते हैं। चला यार, अपनी जगह पे आ जाओ। अरे बात के ताश ले आना। क्या ताश ले आना? पिछली दफा भी इस तरह बैठे हम ताश निकाल लगे, कह रहे मैं आ रहा हूँ, पीछे से पुलिस ले आया था। अच्छा सुनो बात, सुन बता। बात दरअसल ये है कि रक्षी का बाप जो है ना, वो मेरे और उसके रिश्ते के लिए मेरी माँ से मिलना चाहता है। मिला लेना, तेरी अम्मी को काय का इतराज है? तो मेरी अम्मी कहाँ है यहाँ पे? अम्मी? अम्मी चाहिए तुझे? कमाल करता है, अम्मी चाहिए? यूँ बोलना माँ चाहिए। अम्मी क्या? माँ चाहिए तुझे, मतलब रिश्ते की बात पक्की करनी है? एक मिनट मेरी है जानने वाली, मैं बात करता हूँ। बात कर, बात कर। एक मिनट सबर कर, आ जा। ये होता है दोस्त। क्या हुआ ना? क्या क्या उल्टा हुआ? अभी मिला नहीं है यार। सुन बेल जा रही है, बेल बेल जा रही है। पीछे जा, पीछे देख, गाय तो नहीं है यार? घंटी बज रही है। एक मिनट रुक पूरा। हाँ हाँ जुबैदा, क्या हाल है भाई? हाँ हाँ कैसी हो? हाँ ठीक है। हाँ हाँ मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि फटाफट घर आ जाओ। हाँ हमारे घर आ जाओ। हाँ भाई माँ बनना है तुम्हें? क्या बात कर रही हो? अच्छा चल भी ठीक है, ओके ओके। क्या हुआ क्या हुआ? अबे यार वो खुद माँ बनने वाली है यार। तू माँ बन सकता? देख तेरे कान भी छोटे हैं। तेरे अप्पा ने क्या यहाँ पे लटकना है? नहीं एक मिनट, एक मिनट, इसका चाल चलन देखना। अरे इसको तो पूरा क्रेन उठाएगा यार। जरा चल के बता। तू इधर हो जा बे, इधर हो जा बे, स्पा के मिस्त्री। चल के चल, चल जाओ। चल चलो। हां लेडीज लेडीज लेडीज। हां लेडीज वाली खाना। ओहो अरे लेडीज बनता है यार, ये सदर में थोड़ी घूमना है। अबे ओ आओ आओ, लियाकत को बोल आने दिया करे, पहले रास्ते में आधे रास्ते में रोक लेता वो, अब चाल बना के आओ। लेडीज लेडीज। लेडी सिंपली खा गया यार। ऐसे तो तू ऐसा लग रहा है जैसे सारा फैसल पे खड़ा होता है यार। तरीके से आई यार। अबे हल्ला, मैंने हमें मर्द बनाया है। हां लेडीज बनते बनते टाइम तो लगेगा ना। आ जा।
किया। मैं माँ के चाल बताना, माँ के चाल बताना। ठीक है? हेलो। हाँ, मैं काशिफ और लियाकत और जापानी की मम्मी। ब्रॉड माइंडेड माँ नहीं चाहिए, माँ चाहिए माँ। अब सही है ना, यही माँ है भाई, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। पक्का हो गया, पक्का हो गया। तू इसकी माँ बन के इसकी लड़की के बाद से बात पक्की करनी है। बात पक्की करनी माँ बन जा, मेरी माँ। एक मिनट रुक जा, तेरी माँ बनने के लिए तैयार हूँ। तेरा ससुर जो है छिछोरा तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। हाँ कल को देगा अपना रिश्ता डाल दिया, फिर मैं क्या करूंगा? वो शरीफ आदमी, पांचों वक्त शरीफ आदमी हूँ। चलो ठीक है, मुझे माँ बनना है। माँ तू माँ है, आज से हमारी माँ है। माँ माँ खप्पे, माँ खप्पे, खप्पे। तू पहले ही माँ को खत्म कर दे। माँ खप्पे 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 करके खप्पे लगा रहा है। माँ खप्पे, माँ खप्पे, माँ खप्पे, पे ना खप्पे, पे है तो माँ है। ठीक है ना यार, कोई चिलान नहीं करो। ओके माई बाप, मुझे बनना है, मैं माँ बनूंगी। ठीक है, मुझे कोई अच्छे से ब्यूटी पार्लर का एड्रेस बताओ प्लीज। हाँ मेरी नजर में है। कौन सा? बकरा ब्यूटी पे नहीं? हाँ बताओ। तो मुर्दों का मेकअप करते हैं बे। ब्यूटी पार्लर का सब कुछ हो जाएगा, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। क्या? सत्तार भाई घड़ी घड़ी भाड़ा मांगने आ रहा है, उसको भाड़ा देगा कौन यार? मुझे आगे कर देते हो यार। तो भाड़ा बिल्कुल नहीं देगी, तीनों बेटे देंगे। आज मैं किराया लेते हूं। बोले मैं घर पे नहीं हूँ, घर पे नहीं जाऊँगा किराया। बेटा बहुत देर हो गई, अनन्नास सूख गए, दूसरा लेकर आओ। तुम्हें मर दिया क्या? क्या हुआ, तुम्हें मर दिया क्या? अभी तो पता नहीं चल रही है क्या हुआ। मेरी नकल कर ले, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। मेरी कसम ले रहा, मेरी तर रहा, मैं तो साफ सुथरी नकल कर रही हूँ, मेरी नकल नहीं कर रही। एक तो तू मुझे नजर आ दिया, एक मुझे ये नजर आ दिया। मैं कितनी नकल आ गया तुम्हें? बाती दोनों ता, ये बताओ तो बाती तुम्हारे दो दो तोल ता है? दो 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 दो। अरे हाँ, दो दो थमन्नी आ गए तेरे तो। बता दिया हमने, इतनी जल्दी ताए तो है तेरे तो। इतनी जल्दी ताए तेरे तो, तुम्हारे दो दो ता है, मुझे बताओ। ठीक है, बता रहे बता रहे। बताओ सीधा है, जबान के नीचे फोड़ा वोड़ा निकला क्या? थोड़ा वोड़ा ले निकला, पैदाइशी तोतला हूँ मैं। हाँ ये तो है, देखे ये जो है ना। हाँ समझ दिया हमें नजर। अच्छा हाँ डॉक्टर साहब, हाँ पता क्या, रोजाना ना बदहजमी हो रही, तो उसका कोई इलाज बताइए मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब किसी तोतले आदमी को देख के थूकना है? अच्छा ठीक है, क्या कह रहा था? अच्छा नाजिम का फोन है। हाँ नाजिम कौन? काजिम का भाई। अच्छा हाँ हाँ हाँ, वो मनुष्य आके मेरे पास ही बैठा है। हाँ इससे बात कर। हाँ जी, एक मिनट उधर हो जाओ ना यार, बात हो रही, उधर हो जाओ। हाँ ठीक है, लियाकत, लियाकत है ना मेरे पास? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब अच्छा इसकी, अच्छा मतलब जिसके हरे कपड़े होंगे उनको थप्पड़ मारनी है। हाँ। ओके, हरे कपड़े वाले को थप्पड़ मार दे। ठीक है, नाजिम का हुक्म। ठीक है, हाँ ये लो लियाकत से बात कर लो, ये लो। हाँ अच्छा, अगर वो पीछे से आए तो सामने वाले से कौन थप्पड़ मारे? अच्छा हमारी बारी भी। हेलो दीदी। हाँ यार, मगर दूर, बहुत दूर खड़ा हुआ, ये मैं क्या करूँ? मैं हूँ ना। हाँ मैं हूँ ना। हाँ तो लियाकत, हाँ तुम जरा साइड में हो जा। अपना काशिफ, हाँ तेरे बराबर में खड़ा है ना। हाँ पेट वाला घूसा मारियो। आप होल्ड होल्ड करें क्या? अच्छा भाई वो कह रहा है इसको जान से मार दो तो 500 आके दे दूंगा। समझ दिया, चलो इधर आ जाओ। अच्छा भाई चलो इधर आ जाओ। अबे चारों इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, चारों के बहुत हो गया। मैं सब समझ दिया, मैं सब समझ दिया। तिलाया निकालो, तिलाया। अबे तिलाया, तिलाया क्या बोलो? किराया, किराया को सही कर ले, फिर आके ले जा। तुम समझ गए? नोट नोट। अच्छा नोट, क्या 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 क्या? नोट नोट। अरे तो ऐसे बोलो, ये नोट लिया। अरे तुम समझ, अरे याद तो टेप भी तो नहीं है ना मेरे पास। पैसे 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 चाहिए, पैसे 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 हम तो समझ निकाल रहे हैं। कुछ पैसे दे तो, मैं आज किराया लेते जाऊंगा वरना मकान खाली करो। किराए की बात, इधर आओ। इधर किससे किराया मांग रहे हो तुम? तुमसे और किससे? जानते हो ये लड़का कौन है? तुम्हारा बाप है। ये किसने बताया? जानते नहीं हो ये कौन है? अरे तू है, बता दे तू है। ये दोस्त है मेरा ये। अब
वो था लड़ा ला गया मुझे दो थे तुम्हारा। लेकिन जो बात मैं बता रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ तुम चकरा के गिर जाओगे। अच्छा मेरा पता ही, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बता मुझे जानता है मैं कौन हूँ? जानता हूँ तुम ही धल में लेते हो, मेरे तिराए डालो। पता ही नहीं है, मैं इन तीनों की माँ हूँ। उसके सामने नहीं, उसके सामने बात सुनो। ये जो हमारा दोस्त है ना काशिफ, समझ गया, एक अमीर लड़की से शादी कर रहा है। तुम्हारे जैसे 10 घर है उसके पास। नहीं यार, सिर्फ नौकर रहते हैं ऐसे घरों में। नहीं यार, करोड़ों की जायदाद बताओ आगे। करोड़पति है ये, करोड़पति है ये। थोड़े दिन के बाद होने वाला है, इसकी शादी होगी, इसका जो ससुर है ना जेल में बहुत कुछ देगा। तुम खाली एक का डबल करके देखो। एक का डबल कैसे होगा? आपका कितने महीने का किराया? 6 महीने था। एक साल का किराया मिलेगा डबल करके। डबल करके मिलेगा? डबल करके डेट सोल। कैसे मिलेगा डबल करके? जिस लड़की से वो शादी कर रहा है वो बहुत अमीर बाप की बच्ची है। ये घड़ी दो तुम मुझे, ये घड़ी खपे। लो आ गई। ये क्या कर रहे हो? डबल मिलेगी। चलो मेरा तो खा, डबल मिलेगी। हाँ अच्छा, हाँ भाई डबल मिलेगी तो तब मिलेगी, जब उसकी शादी हो जाएगी। अगर तो तब होगी शादी, तो शादी होगी, उपकरण होगी इसकी, होगी मेहंदी का रसम भी होगी। समझ गया, मेहंदी के रसम में हरा कुर्ता चाहिए। आप कुर्ता उतार दो, कुर्ता ले दो उसे। अरे दे दो, डबल मिलेगा। डबल? हाँ उतार दो ना, उतार दो। वेरी गुड, लो भाई ये भी काम हो गया। क्या भाई, ये टोपी भी साथ आ गई। अरे जो चीज मुझे चाहिए वो इंशाल्लाह डबल मिलेगी तुम्हें। तो क्या चाहिए मुझे बताओ। तो पजामा दे दो यार। आप खुद खड़ी हैं या कोई भूल गया है? नहीं नहीं, मेरा मतलब यह है कि आप यहाँ कैसे? आपका नाम? जी रोजी। आप कौन? मैं, मुझे बेरोजगार कहते हैं। क्या? यहाँ किससे मिलने आई हैं? जी जापानी से। जापानी को छोड़िए, चाइना को आजमाइए। नहीं, जापानी कहाँ हो? जापानी कौन? जापानी, जापानी कहाँ? मुझे भी तो देखे आपको। मैं कैसा लगता हूँ? एक मिनट, 5 मिनट दो। कौन है ये? कौन? हाँ? This is my piece. तेरा पीस है? हाँ, तेरा पीस है। हाँ भी है तेरी। आप इससे शादी करोगी? तो क्यों, मेरे में क्या लहरें आ रही क्या? नहीं, क्या खराबी है? इससे शादी मत करना, मैं बता रहा हूँ। क्यों? अरे इसको शादी नहीं आती है। क्या? मैं सीख गया, इधर आ जा। उधर जा। अच्छा, अपना पीस आया था, कैसे इतरा रहा है? और हमारी कढ़ाई में पकोड़े तल रहा था। तू तो कढ़ाई बाहर होगी तो बंगाली पकोड़े तलेगा। बंगाली? चुप हो जा बस। कौन है ये? कौन ये? पता नहीं कौन है, ऐसे गरीब लोग, हजार कुत्ते बिल्ले यहाँ घूमते रहते हैं। छोड़ो। बड़ी जापानी, तेरा टेलीफोन आया। बहुत अच्छे, हमारे को वहाँ पे फोन पे लगा के SMS पढ़ रहे तुम्हारे। शादी कर रहा तेरा भाई उससे। शादी कर रहा? हाँ। इससे? हाँ। तुम क्या अंधी हो गया? क्या? अबे इससे शादी कर रही है तुम? हाँ। अल्लाह का करम है, शहजादा चोरलस। चोरलस? चोरलस होता है ना, चार्लेस के चक्कर में आया ये। चोरलस? हाँ। चोरलस। और ये शहजादा रोजी। रोजी? रोजी। वैसे आपकी तारीफ। यार अगर ऐसी रोजी होगी तो फिर बंदा रोज आना टाइम पर काम पे जाएगा। भाई वो रजिया कहानी का फोन आया था के कैपरी के पास में खड़ी हुई थी। जिसने आपको बनाया। लानत है इसके बाप पर, ये क्या काम दिखाया यार। खुद तुम लोग समझा करो, तेरी भाभी है यार। भाभी है? मैं क्या भाभी, खप्पे है। जाओ यार, अंदर जाओ यार। अंदर जाओ, मैं अंदर ही मरूं। जाओ। रजिया गाड़ी को क्या बोलूं? कुछ भी नहीं यार, तू जा यार। रजिया कौन है? रजिया वो किस कल टाइम दिया था ना उसको। यार तू जाना यार, लड़का लड़की को अकेला छोड़ दो यार। लड़की तो समझ में आ रही, लड़का कहाँ? अच्छा आप कोई काम वाम करते हैं? लड़का है? ये लड़का? लड़के को कब सुबह पर? अच्छा लड़का। भाभी क्या है यार, मेरे से पकौड़े नहीं तले जाता।
ये बात हम दोनों चल जाए मैं सफाई कर रहा हूँ लकड़ी का कारोबार है मिसवाक बेचता हूँ आपको चाहिए तो बताइएगा किस बात पे ऐसा किस बात पे ऐसा मेरे इस दोस्त का भी बहुत बड़ा कारोबार है सुनो खुसरे खोल कर फिट करता है सही बता रहा हूँ अगर कोई खराबी हो ना खुसरा वापस अगर यकीन नहीं आता इसके अब्बा से पूछ लो ऐसा फिट क्या आज तक फिटिंग खुली नहीं है माशाल्लाह भाभी साहब मेरा मिला रहा हाथ काहे के लिए मिला रहे हो यार फ्री हो रहा हूँ ना जाओ यार शर्म कर भाभी हाथ मिला ऐसे हाथ मिला रहे भाई चल बहुत बड़ा हमारा भाई है ना बहुत बड़ा कारोबारी आदमी है बताओ सुनो भी कारोबार माशाल्लाह इन पच्चीस पोच इन पच्चीस पोच इधर का माल इधर का और इधर एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रहा है वैसे आप लोग कुछ भी कहें जापानी है बहुत खूबसूरत मैं कभी गुरूर नहीं किया मैं तो इनको कह भी रहा हूँ अपनी आंखें टेस्ट कराओ इस मुंह पे गुरूर बनता भी नहीं है यार तुम लोग जाओ यार खुदा के लिए जाओ यार प्लीज यार अरे भाई जाओ इधर यार गेट लॉस्ट इंग्लिश निकल के मुंह से यार गेट लॉस्ट खुदा क्या ओए गेट लॉस्ट गेट लॉस्ट Get lost! Get lost! रजिया कांडी तो क्या बोल अरे भाई लगे रजिया कांडी यार अच्छा बात सुनो ना जानू खुदा की कसम हमारे हाथ देखो तुम्हारे हाथ स्त्री वाले मेरे हाथ मिस्त्री वाले कहो जानू कहो क्या कहना चाहती हो अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम मुझे हनीमून पे कहाँ ले जा रहे हो तुम कहो जहाँ तुम कहोगी वहाँ तुम्हें हनीमून पे ले जाऊंगा मैं वाकई हाँ सच बताओ बिल्कुल सच बता रहा हूँ किसी ठंडी जगह पे चलेंगे ठीक है मेरे दोस्त का बर्फ कारखाना बुक करवा लेता हूँ अच्छा तुम मुझे बताओ कि तुम शादी के राज जब फर्स्ट टाइम मेरे कमरे में आओगे तो क्या कहोगे पहली बार बहन चाय पियोगी ये तो मेरी भाभी मेरी बहन ही होगी क्या तो ये सिचुएशन चाय वाली नहीं थी यार फिर क्या की तू जा यार खुदा के लिए यार कसम खुदा की तुम तुम्हारी शादी में अगर बम के धमाके नहीं करूं फिर बोलना तुम जाए इधर से अच्छा वैसे एक बात सुन लो तुम पता क्या ना पेप्सी की बोतल डालू हाँ लस्सी में अंडा डाल के ले आओ लस्सी में अंडा कौन डालता है यार हाँ क्या कह रही थी हाँ, तुम अपना मूड अच्छा रखो हाँ, बोलो तुम बताओ ना पहली बार क्या करोगे क्या क्या बताओ ना पहली बार क्या करोगे जब तुम दुल्हन बनके बैठी होगी तो मैं क्या बात करूंगा हाँ। कमरे में आते ही मैं एक ही बात करूंगा हाँ? बहन खुश रहना बेचार यार शादी के बाद तुम दोनों खुश रहना शादी का सब इतना बोल रहे हो ना मैं पक्की बहन हो जाएगी जाओ यार मैं तो तेरा साथ दे रहा हूँ साथ दे रहा काहे का साथ दे रहा मैं यहाँ पे सड़क बना रहा हूँ कसम खुदा की ये लोग चाह नहीं रहे अरे छोड़ ना हम लोगों को हाँ, तो बताओ ना पहली बात क्या करोगे जब कमरे में आऊंगा तो पहली बात क्या कहूंगा चलो चल माँ अच्छा मूड खराब नहीं करो प्लीज आओ ना तुम यही बात कर रही हो मूड खराब नहीं करो वो तुम मूड खराब कर रहे हो अच्छा चलो आओ ना बताओ ना पहली बात क्या तुम्हें सर्दी क्यों लग रही है यार क्यों लग रही है पता नहीं तुम्हारे हाथ पकड़ रहा हूँ सर्दी लग रही है हाँ क्या मतलब हाँ चलो ओके हाँ अच्छा बताओ ना पहली बात क्या करूँ मैं तुम्हारे कमरे में आके पहली बात कहूँगा कि टॉम को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है क्या बकवास कर रहे हो तुम क्यों कोई अच्छी से बात करते हैं अच्छी से बात कर जब तुम घूंघट निकाल के बैठी होगी हाँ ये बताओ कि मुंह दिखाई तुम क्या लोगी 12 बज गए टाइम खत्म हो गया सॉरी खुदा की कसम ये बात नहीं करने देंगे एक काम करते हैं हम लोग सफारी पार्क चलते नहीं पहले मेरी मुंह दिखाई मुझे पता है इन लोगों का घटियापन कसम खुदा के हम लोग एक काम करते हैं सफारी पार्क चलते हैं वहाँ जाके बात करते हैं चलो 10 रुपए के
पकौड़े दिलाता हूँ। मैं पूछ लियाकत।
लियाकत। अम्मी तैयार है? मेरा मतलब ये है कि वो तैयार हो गई। वो कह रही थी ना मैं ड्रेस चेंज कर रही हूँ। ड्रेस पूरा नहीं आ रहा है। अच्छा, वो चौधरी साहब का है ना? चौधरी साहब। हाँ मम्मी। हाँ मम्मी। मम्मी कहो ना, तुम अम्मा अम्मा कह रहे हो। तैयार करूँ? तैयार करूँ? मेरे ख्याल में इसको मालूम नहीं होगा। मैं जापानी से मालूम कर लेता हूँ। जापानी? ये जापानी। या 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 या। ओ क्या हुआ? अम्मी तैयार है? बस वो एक सिगरेट पी के आ रही है यार। नहीं, मेरा मतलब है वो चूल्हा जला रही थी ना, वो आग बुझा कर आएंगी, वो चाय बनाएगी। हाँ, हाँ, ये सुसर, सुसर। खुदा की कसम। हाँ जी, हाँ। शुक्रिया। माशाल्लाह, आपने इतने इतने बार रखे में इसका तकल्लुफ क्यों किया? इनका कसम खुदा की, इनके हल में देख के लग रहे मोजे पहने हुए हैं। दिख लो सुसर है। अम्मी को लो, अम्मी को। अरे अम्मी को नाड़ा नहीं, नाड़ा कहाँ है? उसको बोल चिकम लम्बी करके बांध ले। उसकी क्या बड़ी हुई है आपको देख कर खूबसूरत शेर अर्ज किया है आपके हुसन पर। खूबसूरत शेर अर्ज किया है? माधुरी की फिल्म आई आजा नचले। वाह जी वाह, माधुरी की फिल्म आई आजा नचले। टकले सर तो टकले। मैं बता रहा हूँ, चिरान की ना मैं टक्कर मार दूंगा। हमारी वारी पे क्या किया था? यार ये अम्मी किसको बना दिया तुमने? क्यों, क्या हुआ? अबे वो तो गैलरी में खड़ा हुआ है, लोग उसको मीठे मीठे पान फेंक रहे हैं। खुदाई खुदाई कर, पैदा कर यार, फौरन तैयार कर, मैं आ रही हूँ। बस आ जाओ अंकल, मैं प्लीज ये काशिम की मम्मी को लेकर आ रही। अगर आप चाहे तो एक आधा शेर और सुना सकते हैं। जी जरूर जरूर जरूर। अर्ज क्या है कि तुमसे अच्छे होंगे तुम्हारे अगले पिछले। बहुत ही बात, तुमसे अच्छे होंगे तुम्हारे अगले पिछले। अबे टकले सर तो टकले। समझा लो, मैं बहुत बुरा करूंगा इसके साथ में। आप बेफिक्र, आप बैठे बैठे तशरीफ रखिए ना। अपनी अम्मी बुलाओ भाई, अब तो उनसे मिलने का इश्तियाक बढ़ता जा रहा है। आ रही आ रही आ रही है, वही रिश्ते की बात करेगी। और तुम सुना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा कारोबार वगैरह कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो बेटा कुछ खाने पीने का नहीं मंगाओगे जब तक अम्मी आ जाती है? हाँ क्यों नहीं, क्या तैयार हो रहा है? खाना तैयार हो, चूल्हे पे रख दिया मैंने। क्या चूल्हे पे रख दिया खाना? अच्छा अच्छा, तैयार हो रहा है। अच्छा चूल्हे पे रख दिया है? क्या पका? माशाल्लाह, इसको देख के एक शेर याद आ गया। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे। दूर से देखा तो अंडे उबल रहे थे, करीब आके देखा तो गंजे उछल रहे थे। तुम्हारा मेरा गलत हो गया, तुम्हारा सत्यानाश है। आप मेरी मोहब्बत की खातिर बैठे, ये तो जाहिल है, इनकी बात का बुरा मत मानिए। आप चाय पी? तुमने भी अपने दोस्त, अपने से 20-20 साल बड़े दोस्त बना रखे, आप चाय पियेंगे? मैं बहुत गुस्से में हूँ, शरबत मंगा लो। शरबत? शरबत तो मुश्किल है, लस्सी पियेंगे? हाँ लस्सी मंगा लो। नहीं, लस्सी की दुकान भी दूर है। आप ऐसा करें, आप जूस पियेंगे? हाँ जूस मंगा लो। जूस तो फ्रिज में खत्म हो गया। फिर एक गिलास होने वाले दामाद को मार रहे। आपने लगान फिल्म में काम किया ना, बॉलिंग करते हुए? आपने मुझे कहाँ कहाँ देख लिया।
जगह पे देखा, मैं तो खुद आंखें बंद कर ली। माय गॉड फोन है। आपने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे लांडी की बस नहीं मिली। नहीं अम्मी, इंसान की बच्ची बनो। वैसे एक बात बताओ जी, आप बड़ी खूबसूरत हैं। अल्लाह का करम है, 3 घंटे लगे उसे सजाने में। मतलब तैयार होने में टाइम होने में। उल्टी उल्टी थ्रेडिंग की है मैंने, उल्टी थ्रेडिंग। अम्मी अम्मी क्या कर रहा है? माँ के कदमों में जन्नत होती है ना। हाँ। तुम्हारे जन्नत से क्या काम दोस्त की? बात कीजिए प्लीज। वैसे जी आप इतनी खूबसूरत हैं। उफ, अपनी आँखों का इलाज करवाएं। आप एक बात बताएं। जी जी। आप 30 साल पहले कहाँ थी? मैं बाबा बीट में थी। यही 30 साल पहले मैं यही रूल रही थी। माशाल्लाह आप जितनी सेहतमंद है जी, इतने सेहतमंद आपका बेटा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग रात को 3 बजे उठ उठ के पराठे खाते हैं। असली की आप बैठ के बात करें ना। बड़ी क्वालिटी है हमारी आंटी में। हाँ, हाँ, क्या क्या क्वालिटी आंटी में? क्या क्वालिटी है? यहाँ पे सरिया रख के नहीं मोड़ देती है। बहुत क्वालिटी है हमारी आंटी में। ये क्या करती है, मिट्टी का तेल पीती है, फूक मारता है। और एक क्वालिटी मेरी और भी है ना। क्या? मैं क्या करती हूँ पता है, ये हवा में है ना फूंक मारती हूँ, फू करके जोर से। आप ऊपर गेंद रख दो, गिरेगी नहीं। आप आए ना, बैठ के बातें करते ना। अच्छा आप लोग एक काम करें, सभी मेरा ख्याल है आप लोग जाएं। नहीं 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 ना। अच्छा आए ना। आए क्या हो गया? आप मेरा हाथ चेक करो मेरे पे। नहीं नहीं चेक करो, मैं अपनी बेटी देने आया हूँ तुम्हें। अंकल आपकी इस खूबसूरती पे एक शेर अर्ज किया है। अरे अर्ज करें, अर्ज क्या है कि आप अच्छे हम सब पगले। वाह, आप अच्छे हम सब पगले। वाह, अबे टकले सर तो डगले। आप अच्छे हम सब पगले। पगले माँ, मेरे को यही अंकल खपे। दोनों के दोनों चिरान करोगे, मेरा रिश्ता इधर उधर होगी, मैं चिरान कर दूंगा। मैं बता रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ, अम्मी हाथ से लेकर जाएगी अपने ससुर को समझा। नहीं 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 लाखों ईमान से ये जो है ना चिरान कर रहा है, मैं इसके दोनों फ्लैश खींच दूंगा। मैं बता रहा हूँ उसे, अम्मी अम्मी का नुकसान हो जाएगा। बता रहा हूँ पेड़ी। हाँ। पेड़ी आओ सिट डाउन प्लीज। अम्मी आपके कहाँ से? अम्मी अल्लाह माफ करे, ये तो मेरे ससुर जितने अपनी अपनी मना रहे हैं। छोड़े दफा करें इसको, आप बताए ना आप बड़ी कौन है? कौन है? आप भी बड़े शरीर हैं। अल्लाह ऐसे लगता है फूल मार दिया आपने। हरकतें मत करें, गिठान लग जाती है, खुल के बैठे। आपको तो आदत पड़ गई है, शादी के बाद तो मैं फिर ऐसे ठुकाए करूंगी, पता चल जाएगा। रिश्ते की बात करो, रिश्ते। एक अम्मी एक थप्पड़ और मार दीजिए प्लीज। फरमाइश है। पता है मैंने आपको थप्पड़ क्यों लगवाया? क्यों? दरअसल मैं आम नरम करके खाना चाहता हूँ। बड़ा शरीर है मेरा बच्चा। ये रिश्ते की बात, मैं रिश्ते की बात कर रही हूँ। आटा तो नहीं मांग रही, चीनी तो नहीं मांग रही, प्लीज इस तरह की बात ना करें। चीनी ये कैसे दे सकता, बोरी फटी हुई हो। आप ज्यादा कर रही बात, मैं नहीं बन रही भाई अम्मी। इस तरह करेंगे तो फिर ये मैं मुझे रिश्ते की बात तो करने दो। नहीं 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 कोई चिरान नहीं करेगा, रिश्ते की बात कीजिए। बेटा
मुझे रिश्ता मंजूर है, तुम ये बोलो कब बारात लेके आओ। उसकी बात कर रहे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ तो मैं भी तुम्हारी बात कर रहा हूँ बेटा, मेरी बेटी की ख्वाहिश है कि वो बारात लेकर आएगी। भाई कब कब ला रहे बारात? आप हुक्म करें। जुम्मे के दिन नहीं, जुम्मे के दिन। क्यों भाई क्यों? मेरे को हॉक्स पे जाना है। आज तो हॉक्स पे की पड़ी है। मैं तो कह रही हूँ उसे आज से हॉक्स पे भेज दो। सुने मेरी घड़ी टूटी ना, खुदा की कसम मैं तुम्हारे बाप से भी ले लूंगा। आप बहुत ही छिछोरे हैं, बहुत ही बदतमीजी पे उतर आए, इस तरह नहीं करते। अरे टॉपिक काशिफ। अच्छा हाँ, और मैं इसकी मम्मी अभी अभी बनी हूँ, आपके सामने आई हूँ अभी 5 मिनट में। मेरा मतलब है कहने का कि आपको मेरा बेटा कैसा लगा? भाई मुझे तो आपका बखूरदार बहुत पसंद है। वैसे एक बात बताएं, जी जी, आपके बखूरदार कारोबार क्या करते हैं? ये पतंगी लई बनाते हैं। पतंग की लई नहीं, कारोबार बताओ ना। सही कारोबार, धंधा क्या करते हैं? एक धंधा, ये एक दफा धंधा करने लगा था, पुलिस पकड़ के ले गई। आप समझ ही नहीं रही है, इनका बिजनेस क्या है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट है। क्या करते हैं? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्या इंपोर्ट करते हैं और क्या एक्सपोर्ट करते हैं? ये जापान वालों से चाइना के खिलौने मंगाते हैं। मेरा बेटा बिजनेस करता है। अच्छा, बहुत बड़ा बिजनेस, बहुत बड़ा बिजनेस है। अभी बताया नहीं इसने करता क्या है, लेकिन बिजनेस है। बताया मतलब बिजनेस। वैसे इसको कोई काम करने की जरूरत भी नहीं है, ये कोई लंगड़ा लूला है। अब आज है नहीं, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है मेरे पास, वो तो हम लोग ले ही लेंगे ना। अल्लाह का दिया बहुत की जायदाद, उनको वापस करो, आप पर केस कर देंगे। पैसों की बात हो रही है। अच्छा सॉरी। अरे आप समझे नहीं, अरबपति आदमी, बड़ा पैसा है मेरे पास, बड़ी मिले, आप कभी दुखी नहीं। अच्छा आप अरबपति हैं? अरबपति हैं जी जी, बंगाली पति हैं। जान कर रहा है यार ये। अम्मा रिश्ते की बात कर लो। किस तरह करूं, करता रही हूं वो कारोबार पूछा मेरा बेटा से। एक बात बताए जी जानू, क्या कह रहा है? यही खड़े रहना, तुम लोग कहीं जाना नहीं, ये आस्ते आस्ते खुल रहे हैं। वैसे ये तीनों आप ही के बेटे हैं? नहीं तीनों नहीं, मेरा ये एक ही बेटा है। हाँ ये तो हमने बंगाली पहाड़े से उठाया था, ये इनका सच्ची का है। हम शादी से पहले के हैं, मतलब हम दूसरे माँ के भाई। हमारा अपा ने 15 शादियां की थी ना। 15 जी, 15 में से एक में से निकला, ये उनका बेटा है। अम्मा जेज देस की बात करो। अम्मा आप एक बात बताएं। मैं जेज नहीं दूंगा। जेज में आप क्या देंगे? आप जो कहेंगे। आप जेज में क्या क्या देंगे प्लीज बताएंगे? आप हुक्म करें, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास जो मेरा है वो मेरी बच्ची का ही तो है। बस ठीक है, कारोबार भी हम हमारे बच्चे को करा देंगे, आप देंगे ना पैसे? बहुत, बस उसी से करवाएंगे। अरे क्या जरूरत है इसको किसी का कारोबार करने का? ठीक है, ये मेरा बिजनेस संभाले। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं बारात कब लेके आए हम? आप हुक्म करें, जब आप कहें। आज शाम को ठीक रहेगा? आप अभी बोले, अभी काजी बुलवा लो। मैं तो कहते खड़े खड़े यही निकाह कर लो। नहीं नहीं काजी नहीं आ सकता। क्यों? वो धरना देके बैठा हो। अरे कोई दूसरे काजी की बात हो रही है यार, ये वो वाले काजी की बात नहीं हो रही है यार। ठीक है रिश्ता हो गया। रिश्ता हो गया, आप अपनी बच्ची तो काही बच्ची आप। अरे अल्लाह क्या हुआ? यार ना मैं ये नारियल में से पानी पीऊंगा। आप समझे नहीं, मैं अपनी बेटी साथ लाया भाई। ओहो तो अंदर बुलवा ले, मोहल्ला ठीक नहीं है। हा? कोई बात ही नहीं, मैं बुलवाता हूँ। बुला 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 अपना रक्षी। रक्षी बेटा, रक्षी बेटा, रक्षी तो आप बुला दो। बेटा रक्षी इधर आओ। बेटा ये तुम्हारी सासू अम्मी,
इनसे मिलो 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 एक मिनट मुझे मिलने तो मैं टाइमिंग लूंगी सेटिंग करूंगी तुम ये फिर मुझे नहीं बनाना था ना नहीं ना तो समझा ना और बेटी दूर से हां क्या हो गई भी नहीं हूं मैं नहीं खेल रही मैं बाहर जाके गुल्ली डंडा खेल लूंगी मैं नहीं खेल रही अम्मी दूर दूर से तू आए देने तो इतनी नेक सीरियस बच्ची है दूर से अच्छा दोनों को एक साथ काशिफ तुम्हें क्या हो गया है अम्मी हुजूर से मुझे गले लगने अरे क्या हो गया भाई इधर आ इधर आ एक मिनट बात करो भाई बेटा इधर आ इधर आ देखो तुम मिलो अपनी सास से तुम मिलो अपने ससुर से आप समझ रहे हो लॉस हो जाएगा आप लॉस हो जाएगा अल्लाह तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे मेरी फूल मेरे लगाए मैं मना नहीं करूंगा नहीं 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 मेरे आप कितने भी हाथ लगाए मैं मना नहीं करूंगा नहीं करूंगी तुम्हारी तो सीएनजी लोड हो जाएगी हम खाली हो जाएंगे काशिफ मैं दुआ दे रही हूँ क्या हो गया एक साथ हो दोनों को एक साथ हो तुम तो घर के आदमी हो सुबह ले लेना दुआ नहीं 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 फिर कहाँ मिले काशिफ चलो तो आप आइए आप बैठिए बेटा बैठो उधर काशिफ अम्मी बैठो ना बहुत अच्छे अब तुम्हारा बाप ऐसे ही खड़ा रहेगा आप यहाँ जाएं आप यहाँ खड़े हो जाएं मम्मी मम्मी जब आए ना मम्मी बनाई है ना तो थोड़ा बर्दाश्त भी करो हम भी चले माओ थोड़ा सा आप भी डिस्टर्ब ना करें चले जी यार थोड़ा सा हटे आप सही है बातचीत बंद हो गई क्या बर्दाश्त खबरदार जो हमारी कढ़ाई में पकौड़िया खा ली तो मेरे को भाभी खप्पे खप्पे मैं तुझे ये जूता इतना जोर जोर से खप्पे के फिर सब भूल जाएगा तू बात लो मां बेटा अपना क्या नाम है आपका रक्षी एक मिनट आप अपनी बहू से दूर हो गई हैं है ना बेटा नहीं यही सही है यही सही है कितने अच्छे लगा क्या जोड़ी लग रही है वाह 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 क्या जोड़ी है आपकी मान से काशिफ क्या हो गया तुम्हें मुझे आखिर मम्मी के साथ ही जिंदगी गुजारनी नहीं समझ रही है ये पत्ते भी समझता ही नहीं है मैं इसको पहली रात को है ना जहर का प्याला दे दूंगी बेटा देखो वो भी बोल रहा है क्या जोड़ी लग रही है ये चाह रहा है कि तुम इसकी बहन बन जाओ नहीं मामू और बहन की जोड़ी कह रहा हूँ बेटा बेटा मुझे अच्छा मैं कंट्रोल में हूँ कंट्रोल ऑफ सेल्फ यस कंट्रोल ऑफ सेल्फ अपने लक्ष्मी आपको अब मेरा बेटा काशिफ कैसा लगा जैसे कि आप मुझे लगी जल्दी जल्दी देख खोलो तो फकीर बैठा है यार खाने का मैं तो मशरक की लड़की हूँ कैसे बता सकते बहुत अच्छे तुम मशरक की हो तो हम लोग क्या ढाका के मुझे ही बता दो बेटा ये मैं इनसे बात कर तू सिगरेट तो निकाल दे शीशा भी पीती हूँ शीशा पाइनएप्पल शीशा पीती हूँ इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होनी चाहिए जिस तरह ये चीख रहे मॉडर्न लोग हैं आप बाकी शीशा पीती हैं जी सीवियो चलिएगा हम दोनों साथ पिएंगे मैं अभी 10 मिनट में तो आई हूँ वहाँ से मैं ये कह रही थी तय हो गई शादी कब कब की थी कि आपने किस तरह मानेंगे ये कैसे मानेंगे देखें भाई हमारी तरफ से जो है ना चांद की 14 तारीख ठीक है चांद की ठीक है 14 तारीख ठीक है इन दोनों के एतबार से वो अमावस की रात भी है तो उसके एतबार से सेट हो जाएगी शादी अमावस की रात आएगी हम लोग क्या इच्छाधारी नागने हैं अम्मी मैं कह रहा था यार ओ पुरानी खारिश है पुरानी खारिश आजकल बाबा निकली हुई ऐसी बाबा निकली हुई छोटे छोटे दाने होते ना स्मॉल साइज प्रिकली हीट में स्मॉल बस ना रिश्ते की बात करो वो क्या पुराना कंपाउंडर है हाँ तो वो मसला ये था कि अब चांद की 14 तारीख जो है बरात लेके आएंगे आपके यहाँ देखे जी आप शादी की हाँ तो करेंगे मगर मैं अपनी बेटी से पूछे बगैर कोई बात नहीं कहता बेटा आप बताओ आपको ये रिश्ता मंजूर है जी डैडी हमारे घर में टाइम पास आ रहा है भाई भाई मुझे बड़ी खुशी हो रही है इस मौके पर आपके पास कोई शेर नहीं है आपके लिए शेर अर्ज किया है खाने पीने में शेर अर्ज किया है शेर में एक बात अर्ज करूं शेर से पहले एक छोटी सी बात है मैं चाहती हूं खुशी का मौका शादी तय हो गई है आप लोग बैठे तो मैं अपनी बहू को जरा कम मैं चीज दिखाना चाह रही थी मैं इनको अपनी चीजें गिफ्ट करना चाह रही मुझे गिफ्ट कर दो
मुझे दिखा दो। डैडी आपको क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, तुम्हारी सास है। इस खुशी, मुझे आने दें। इस खुशी के मौके पर आप कुछ शेर कह रहे थे। आपके ऊपर शेर हंस गया, खाने पीने पे शेर हंस गया है। जी जी, कि हमने पकाया है सालन अंदर आके चखले। हमने पकाया है सालन अंदर आके चखले। अबे टकले सर तो ढकले। छोटी सी बात है, 5 किलो चीनी मांगी आपसे। आप मुझे देखेंगे ना तो 5 बोरी छोड़ के चले जाएंगे मेरे घर पे। आप मुझे जानते नहीं। तो आसी को कहीं पता नहीं चला, कहाँ चली गई? ये कहाँ से आ गई? हेलो हेलो, आप कौन है? हाय हाय जी, आप कौन है? मैंने आसिफ। क्या? आसिफ की मम्मी। आसिफ की मम्मी? हाँ, मम्मी आसिफ की। लेकिन पहले तो आपको यहाँ नहीं देखा मैंने। मैं पहले रुलती रहती थी ना, कहीं किसी को मिलती नहीं थी। अचानक मिली हूँ 2 घंटे पहले। इन्होंने कहा तैयार हो जाओ, मैं ओके रेडी हो गई। जी हाँ, आपकी बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। क्यों समझ नहीं आ रही? क्लियर क्लियर तो कह रही, मैं कुछ तोतली हूँ क्या? आप आसिफ की मम्मी? सच्ची? मुच्ची। अच्छा, मैं सवेरा हूँ आंटी। अच्छा सवेरा, अरे पागल, मुझे पहचाना नहीं? हाँ? आसिफ हूँ। आसिफ? हाँ, क्या हो गया? तुम आसिफ हो? हाँ आसिफ हूँ। ये क्या हुलिया बना रखा है? अरे मैंने नहीं बनाया, बस किसी मजबूरी के तहत बनाया है, बस समझा करो। तुम बताओ तुम कैसे आ गए अचानक? अरे मैं तो, मुझे तो तुमने पागल कर दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? तो क्या हो गया, क्यों पागल हो? तुम्हारी अम्मी की साड़ी पहनी हुई है मैंने। मेरी अम्मी की साड़ी तुम क्यों पहनोगे? नहीं मैं तो अपनी पहन के आया हूँ। मैं बताओ क्या हुआ, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, पता है? क्या हो गया? वही मेरे डैडी आ रहे हैं तुम्हारे डैडी से मिलने के लिए। तुम्हारे डैडी? मेरे डैडी से? हाँ। मेरे तो डैडी नहीं, मैं खुद माँ बन के बनी, क्योंकि मेरा मतलब है कि क्या? तुम्हारे डैडी आ रहे हैं मेरे डैडी से मिलने के लिए। हाँ। तो तुम कब आ रहे हो? अरे अभी आने वाली है भाई। अभी? हाँ। ओह माय गॉड, क्या मैं इतनी जल्दी कैसे पाप कम है? मेरा मतलब है मेरे अब्बू कैसे आएंगे? देखो मैं कुछ नहीं जानती, कहीं से भी डैडी पैदा करो। ये डैडियों का काम होता है, बच्चों का काम नहीं होता। डैडी पैदा करो, किस तरह की बातें कर रही है तुम? मैं कुछ नहीं जानती आसिफ, तुमने मुझे बहुत तंग कर रखा है। तुम सब कुछ जानती हो और जानते पूछते तुम ये हरकतें कर रही हो। देखो मैं कुछ नहीं जानती, कहीं से भी डैडी पैदा करो बस। अरे मैं कैसे पैदा करूं? डैडी का काम होता पैदा करना, कहां से लाऊं? माय बाप, ओह माय गॉड, मैं तो टेंशन में आ गया हूं। मैं अपनी हालत में आया, क्या हो गया, क्या करूं? आज मैं किराया लेते जाऊंगा, मैं बोल रहा हूँ। अबे इसको भी अभी आना था तोतले को किराया लेने। ना छोड़ूंगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ आज मैं किराया लेते जाऊंगा। तीदल मल जाइए लोग। ये क्या हवा में पकोड़े बना रहे हैं आप? आप कौन है? आहिस्ता जरा दूर होके कंट्रोल होके, आपका रिमोट नहीं है साथ में? प्लीज मुझे बताएं आप कौन? मैं तौन नहीं हूँ, मेरी तौन है लेकिन मैं तौन नहीं हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रखा नहीं है अभी। मैं काशिफ की मम्मी। काशिफ की मम्मी? काशिफ, काशिफ। आपका मुँह से काशिफ नहीं निकल रहा, छोटा सा नाम है काशिफ। काशिफ? हाँ वो ताशिफ, उसकी मम्मी। प्लीज आपका नाम क्या है? पता, मेरा नाम ना। तुलसी ईरानी। तुलसी ईरानी? तुलसी नहीं, तुलसी। अरे वही तुलसी मुझसे
किलो बदाद बदाद। अच्छा ओके आप हैं मिस्टर बजाज। तुम मुझे बैठने दीजिए। आपको किसी ने मतलब फरमाइश की है कि गाना गाएं आप? बस दूर हो के प्लीज। अरे लाओ बंदिया। आंटी आंटी जल्दी आओ मैं अकेली बैठी हूँ। आंटी मेरा स्कूल से नाम कट गया। इन्होंने मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास स्कूल से नाम कट गया 5,000 रुपए के खपे। बेटे ये बहुत महंगे स्कूल की बात कर रहे हैं। इतना भला होता है स्कूल में पढ़ना ही अभी तक? नहीं नहीं ये सिंध मदरसा में पढ़ता है बेटा। 1,000 रुपए फीस है, ऐसा ना करो किसी के साथ जुल्म ना करो। 1,000 रुपए फीस है। 1,000 रुपए गरीब बच्चा है। बकरा ईद पे होलड़ियां जमा की है फिर जाके तोलिया बना के बेचा है इसने। साइड से निकाल रहे क्या बात है कि जुआ के बेचे हैं। 1,000 रुपए 1,000 रुपए तो सिर्फ दाखले के। निकल ले बात हो रही। निकल ले 1,000 रुपए कन्वेंस के भी तो। निकल ले 1,000 रुपए क्या रोज टैक्सी में आओगे जाओगे क्या कर रहे हो लियाकत? आंटी 1,000 रुपए और खप्पे। इस थोड़ा सा मेंटल केस खप्पे खप्पे। दफा हो जा। दफा तो बड़ा क्लियर का है यहाँ तो कह सकते थे दफा हो जा। मेरी बात सुनो। सुनो नहीं मैं सुन रही हूँ। तुम मुझसे शादी करोगी? क्या शादी? अम्मी समझ में नहीं आ रही वो करने का फायदा क्या। अरे भाई वो बिजली का बिल जो है ना 15 दिन से आया हुआ 6,000 रुपए जमा कराना है। सही टाइम पे आ रही है मेरी औलाद। कितना बिल आया था? 6,000 रुपए 6 बेटा बहुत है हमारे घर में तो एक ऐसी 1,500 रुपए है। तुम इतना ज्यादती ना करो किसी के साथ फिर कोई आइंदा आएंगे नहीं हो तुम्हारी मम्मी के पास इस तरह। कितने का बिल है? 1,500 और देखते रहिएगा किसको कितने दिए हैं। ये तो तुम देखो ना। नहीं मैं तो देख रही हूँ कि मेरे लिए बचेंगे भी या नहीं। निकल 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 हवा आने में निकल। हालांकि आज तो तकरीबन 15 तारीख है आज तो मीटर चेक करने वाले आते हैं बिल वाले तो 28 को आते हैं। आज ये बताइए उसे थाली करेंगे थाली? जब तक शादी सही नहीं बोली। 1,000 रुपए कोई गन पॉइंट पे मुझसे लूट के चला गया। तो तुम खुले आम 1,000 रुपए से नंबर मिला रहे होंगे ना? मोबाइल समझ के ले गए होंगे। कितने ले गए? 1,000। अच्छा एक काम करें इसको 1,000 दे दें। एक और 1,000 और दे दूं? जी दो इसकी तरफ हो गए। मैं अपनी याददाश्त के लिए जहन में डाल रही हूँ। ये भी कोई छीन लेगा 1,000 एडवांस दिलवा दो। याददाश्त में 500 रुपए का सिक्योरिटी गार्ड रख लो और 500 रुपए तुम जाके यहाँ रख लो। जल्दी जाओ बार बार बच्चे शरारती। मुझे लग रहा है। क्या लग रहा है आपको? यहाँ हमें प्लीज ये ड्राइंग रूम में यहाँ ऐसी बात नहीं। यहाँ लोग कहीं गार्डन में चलो गार्डन में। ये बड़ी चिरांद आई सबसे बड़ी चिरांद। कितने मिनटों के बात करते हुए ये कोई बेटा मुझे कितने मिनट हो गए इन दोनों को बात तुम्हारे बात करते हुए? कितने मिनट हो गए? 3 घंटे 45 मिनट समझ लो 2000। कितने मिनट? 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट के हिसाब से 100 1,000 रुपए लाओ। 1,000 रुपए लाओ ना। मुझे किराए पे चला दिया इसने तो। अब खेलो भाड़े ये 30 बात के ले दिया ऐसे भाड़े के 30-30 का भाड़ा परिटी घंटा 100 रुपए घंटा। हाँ बात कर रही हो तुम कितने रह गए? वो कह रहा है आपकी लाइट कटेगी ना तो अंधेरा आ जाएगा तो मोमबत्ती लानी है। लाओ पैसे दो। कितने की मोमबत्ती लानी? मोमबत्ती आएगी 1,000 रुपए की। 1,000 रुपए की मोमबत्ती? हमारे घर में बड़ी वाली जलती है। बड़ी वाली? हाँ छोटी तो 5-5 रुपए की मिलती है। 1,000 की। निकल निकल निकल। अच्छा ये तो सब तो लेके जा रहे हैं। कितने ले गए तो पहले? 1,500 पहले थे। 1,000 ये 2,500 हो गया। 2,500 याद करना करीम तुम भी याद करना नोट करते जाओ लिखते जाओ। हाँ मोमबत्ती कहाँ से लाओ? सामने से लाओ कोने से लाओ? नहीं एक काम करो मोमबत्ती लाओ शारजा से इसको 15,000 और दे दो। 15,000 नहीं है। अच्छा हाँ। फिर यहीं से ले लो कहीं से। तो शारजा ट्रेन में जाओ जहाज में जाओ? अरे चला जाए यहाँ से। कहाँ से लाओ? दुकान से। दुकान कहाँ पर है? ओलंदी टाउन। ये ओलंदी क्या मोमबत्ती मिलती है? मोमबत्ती कहाँ मिलती है? दुकान से। दुकान कहाँ मिलती है? अबे यार इस तरह तो फिर पता है क्या मेरे भी मर जाएंगे जो निकलने वाले। अच्छा भाई मिल गए ना? हाँ ओके जाओ। भाई 500 और दो। तू
500 तुम रक्षा वाले को देने ना। बाड़ा दो ये ना, दबाओ ये ना। नहीं देना, नहीं देना। अम्मी गैप करो, उधर 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 उधर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ, देना नहीं देना। नीतल नीतल। वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। नीतल। अम्मी वापस आ जाओ 500। आराम से देखे, कोई देख लेगा तो वही सही है। मैं एक मिनट करे। 500 रुपए। क्या हुआ था? 500 निकालो फिर बता। हुआ था? अरे 500 दो तो सही। दो। अब पूछो काहे के लिए? काहे के लिए? पुलिस वालों से बात हो गई है, खेलो। क्या हो गया? हाँ? कोई बात नहीं। देखते? तुम्हारे बच्चे इतने पैसा खर्च करते हैं। कोई बात नहीं। अब कितने रह गए? तुम मिल रही हो, साला जहाँ मिल गया है। हाँ हाँ, लेकिन जो अभी ये बाकी भी तो है ना। 500 क्या हुआ था? उनको कितने लिए? 1500। तो मुझे 3000 दिए। 1000 तो मैं पहले स्कूल के दिए। वो तो चीने। तो वो जो एक तो 1000 पहले लेके, 1000 ये हो गए। ये अब मम्मी के लिए भी कुछ रखो ना बेटा, इतनी टेंशन ले रही है मम्मी। ये नहीं मानेंगे, ये सन ऑफ डॉगीज हैं। ये नहीं मानेंगे। कुत्ते के बेटे ये इस तरह हरकतें करते हैं। टेलीफोन का बिल भी तो आया अम्मी, टेलीफोन का बिल जमा कराना। अब तुम ले लो भैया, ये तो खाली हो गया। तो क्या हो गया? कुर्ता दे दो, 45 का तो जाएगा। वो कह रहा था अगर लाओ तो पूरा सूट लेकर आना। अरे तो सुनो, अरे हेलो। हाँ मैं बोल रहा हूँ। हाँ कोरमे की 3 देखे। हाँ शीरमाल की 2 देखे। हाँ और एक बिरयानी की देख, अल्लाह के नाम पे भिजवा दो। कहाँ फंस गया मैं? तो अल्लाह, इन लोग कहाँ चले गए? मिस्टर, ये सोफा एक इंच उस साइड पे कर दो। ये टेबल यहां सही नहीं है, इसे भी साइड पे कर दो। ये सीनरी मुझे कुछ पसंद नहीं। ये पसंद नहीं? नहीं, मुझे आप पसंद नहीं। कौन है भाई? चल बात कर। मिस्टर, क्या तू हमें जानते नहीं, पहचानते नहीं? हम मुसलसल खानदानी है। हम क्या वक्फे वक्फे से खानदानी? देखो, तुम शायद हमें पहचाने नहीं। आसिफ का घर यही है? जी हाँ। घर तो बहुत अच्छा है। तू तोड़वा ले। मैं सवेरा का वालिद मोहतरम हूँ और आसिफ के वालिद मोहतरम से मिलने के लिए आया हूँ। आसिफ के बाप से मिलने आया हूँ। जाओ जाकर आसिफ के बाप को भेजो। आसिफ के बाप को भेजो? अब ये तो मुझे ही बनना होगा। आप तशरीफ रखें जी, जल्दी जाओ। हम जानते नहीं, हम गुस्से वाले, क्योंकि हम मुसलसल खानदानी हैं। हम लोग क्या पानदानी है यार। ठीक है, यहाँ से आसिफ को जल्दी बुलाओ। आसिफ, आसिफ। ओह माय गॉड, मैं कह दिया ना, मैं भाई शाम को बहुत बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। फिर पाँव में मौज है, मुझसे डिस्को नहीं होगी भाई। ओके। हाय 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 जी। बाय द वे जी, आप कौन? मैं मम्मी। किसकी? काशिफ की। आसिफ की। आसिफ की? जी जी। अच्छा, आप आसिफ की मम्मी? जी जी। बाय द वे, आपने शादी करने में कोई जल्दी नहीं की? मैं क्या करूं, मैं मेरे पास टाइम इतना था ना, शाम को मुझे फांसी लगने वाली थी, मैंने दोपहर में कर लूं। कुछ बैठ के बात हो जाए। खड़े खड़े मौत आ रही है आपको? दिल कर रहा है कि आपके करीब बैठना चाहता हूँ। अच्छा जी जी।
प्लीज सिट डाउन। जी जी, जो आ रहा ठरकी आ रहा, जो आ रहा ठरकी आ रहा, पैसे वो कमा रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है। क्या बोल रही हैं? मैं कुछ अपने आप से बात कर रही हूँ, मेरा जमीर मेरे साथ साथ चल रहा है ना। ठीक है बैठिए ना, मैं खुल गए ना तो आप यहाँ से भागेंगे फिर। क्या मतलब? आप समझ नहीं रहे। एक्सक्यूज मी प्लीज। जी जी बोलिए। आप कौन? मैं सवेरा का वालिद। सवेरा के वालिद? क्या हुआ आपको? नहीं नहीं, सवेरा के वालिद। जी मैं सवेरा का वालिद हूँ और मैं आसिफ के वालिद मोहतरम से मिलने के लिए आया हूँ। ठीक है, आप सवेरा के वालिद हैं और आसिफ के वालिद से मिलने आए हैं, आसिफ की मम्मी पे जो है ट्रेनिंग कर रहे हैं। वैसे आप बहुत स्मार्ट है। हाँ बस अल्लाह का करम है, बस खाना खा के भागती नहीं, वरना तो और स्मार्ट हो जाती। मैं थ्रेडिंग नहीं कराती ना। क्यों? ये लोग जींस पहनते नहीं, अगर पहने तो फाड़ के फिर मसाला लगा के चपड़ जाते। अबे आशीष मेरी बनियान तो नहीं पहनी तूने? बनियान? आंटी बनियान तो मेरी तो नहीं पहनी। तेरी बनियान पे चील बनी हुई है ना? हाँ, इस पर देख बदक बनी हुई है। तेरे पहनने की वजह से चील बदक हो गई है क्या? हे मिस्टर। जी जी। आप कौन? आसिफ? नो आसिफ, दिस इज माय एंग्री यंग मैन, जापानी हूँ यार। देखो मिस्टर, सस्ते जापानी, सस्ते जापानी, वो जो ठेलों पे बिकती है। जी जी जी। वो मिस्टर जाओ और आसिफ के वालिद मोहतरम को कहो कि सवेरा के वालिद मोहतरम आए। फटाफट जाओ मेरे अब्बू को बुलाओ। ठीक है, आपके आसिफ के अब्बू को जल्दी, क्योंकि हम मुसलसल खानदानी हैं। ठीक है। अच्छा अंकल, एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी। आप मूछों को बल ना दीजिएगा। क्यों? वरना कलाबाजी खा जाएंगे। कैसी बातें कर रहे हैं ये? शरारती है, शरारती, बहुत शरारती है। ऐसी बात बताइए जी, आपने शादी करने में कोई जल्दी नहीं की? इतनी जल्दी कर दी मैंने? फास्ट कर दी, भागते भागते की है मैंने शादी। मैंने टाइम पे शादी की। आप यार आसिफ मेरी पैंट का, अरे देख ले आसिफ की पैंट और आप ने पहनी? पूछ रहे हैं ना आसिफ की मम्मी हूँ ना, मुझसे पूछ रहे। पहनी तो है तुमने? वो मैं नहीं, मैं आज दिल कर रहा दो पहनूं एक साथ। अच्छा इसका आप आसिफ? जी नहीं, मैं काशिफ। अच्छा आप देखो काशिफ, अंदर जाओ और आसिफ और आसिफ के वालिद मोहतरम को बताओ कि सवेरा के वालिद मोहतरम आए। आसिफ के अब्बा जी, किसको बनाया? किसको बनाया? क्या मतलब? मुझको भी बनाया अल्लाह ने, उसको भी बनाया अल्लाह ने, मुझे हुस्न दिया उसे। अच्छा सुनो, वालिद आसिफ के, एक मिनट, आप कौन सी सिगरेट पीते हैं? सिगरेट नहीं, मैं हुक्का पीता। अच्छा माशाल्लाह, दिखाएंगे मुझे? जी जी क्यों नहीं, माशाल्लाह बहुत अच्छा। इसको क्या कहते हैं? पाइप। अंदर पानी भरना है जल्दी। बदतमीज, इस तरह की बात। पोपाई द सेलर की मम्मी बहुत प्यारी लग रही है। डब्बा भी तो खाओ, डब्बा भी तो खाता। बूम बूम। देखो मिस्टर, जाके आसिफ के वालिद मोहतरम को बताओ कि सवेरा के वालिद मोहतरम आए हैं और हम मुसलसल खानदानी है। आप तो हम क्या मैदानी है क्या? आप मुसलसल खानदानी कह रहे हैं, लेकिन देख लीजिएगा उसके अब्बू को पहले कि वो इस काबिल है कि नहीं है। अभी भेजता हूँ, तैयार हो गए होंगे। और सुनाएं आप ठीक हैं? मैं तो ठीक हूँ। वैसे ये बताइए, ईद के दिन आप फारिग हैं? जी मैं बिल्कुल फारिग हूँ। तो आ जाइएगा ना हमारे घर के बाहर, है ना, बहुत सारी होदड़ियां पड़ी हैं, जरा साफ करवा दीजिए। आप ना कीजिएगा, आप ना कीजिएगा। अच्छा अच्छा, जरा सफाई करवा दीजिए, यहाँ के लोग सुनते नहीं है। बहुत ही बदतमीज लोग हैं। मां से चार चार घंटे खड़ी रहूं ना गैलरी में, हराम है जो मेरी तरफ कोई देखे। चले में रहती थी ना तो पान वाले पान फेंकते थे, फ्रूट वाले पता नहीं क्या क्या फेंकते थे, मेरे तो ऐश हो जाते थे। फिर मैं पार्टी में चड़ियां सी थी, मैं फैक्ट्री में चड़ियां सी थी। अच्छा अच्छा, अपने हाथ से कुछ करना चाहती हूँ ना, मैं कुछ बनना चाहती हूँ। पसंद क्या है आपको? मुझे जी हर वो नापसंद चीज जो मुझे पसंद है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कभी ऐसी पसंद के मामले में वो नहीं रखूँ, जो पसंद कर लेते जो भी मिल जाए। हाँ नो प्रॉब्लम, रास्ते में मिल जाए, गाड़ी में मिल जाए। आसिफ के डैडी? जी जी आसिफ के डैडी अभी आने वाले। अच्छा मैं समझा आ गए वो। अच्छा अच्छा अच्छा, आप अकेले हैं? नहीं मैं अकेला आया हूँ, लेकिन मैं बेटी को मिलूंगा, लेकिन पहले मैं आसिफ के वाले तो मोहतरम को मिलूंगा। हाँ बिल्कुल मिलिएगा, आप जरूर मिलिएगा, आप देखे कैसा निकलता है वो अब्बू। वैसे ये आपके हाथ कुछ ज्यादा भारी नहीं है? आपके हाथों की लकीरें बता रही हैं कि आप बाहर के मुल्क का सफर करेंगे। मैं? जी जी। किसके साथ? मेरे साथ। ये शूज
एक्चुअल वो सैंडल पहन के तो बाथरूम नहीं जा सकते ना, कपच्ची है ये वो बाथरूम में पहन के जाने वाली। लेकिन ये जेंट्स घड़ी क्यों पहनी हुई आपने? और किसी ने दी, मैंने कहा किसी का दिल तोड़ना अच्छी बात नहीं है ना। मेरे पास टाइम कम है, ऐसा कीजिए कि आसिफ के वालिद मोहतरम को बातों बातों में तो मैं भूल ही गया। क्या मुझे कुछ पैसे देने थे? नहीं नहीं, सवेरा को तो मैं भाई भी भूल आया। अच्छा सवेरा बेटी, अभी कोई नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा पैसे निकलवाने वाले। अरे सवेरा मुझे आसिफ की मम्मी बहुत पसंद है। मुझे भी जी। आपके वो हस्बैंड कहाँ है? वो तैयार हो रहे हैं, मेरे मतलब आ रहे हैं। जापानी क्या बात है जुआन? आइए। कैसे हैं आप? ये मिल क्यों नहीं रहा है? मेरे शौहर है, मुझसे आज तक नहीं मिले। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं, जब वो मिलते हैं तो फिर वो घुल मिल जाते हैं। ग्लूकोज है ना वो। एक मिनट, हालात सही नहीं है ना? क्या हालात सही नहीं है? जी जी आइए। आप कैसे हैं अपने हस्बैंड जी? मैं ठीक हूँ। माई बाप। माई बाप मींस माई बाप? माई बाप मतलब माई बाप, माई की मम्मी, माई और पापा बाप। आइए आइए, आप थोड़ा सी जगह छोड़िए। नहीं नहीं आप आइए, आप तो रोज बैठते हैं। मजाक है। खुश हुई आपसे मिलके, बहुत खुश हुई आपसे। ये बच्ची कौन है? ये मेरी बेटी। तो इतने दूर क्यों है? मैं तुम्हारी बीबी, यहाँ मौजूद हूँ। अच्छा, समझे? वैसे आपके खामिद मोहतरम करते क्या? ये लोकसभा में थे, कांग्रेस में थे मेरा घर। ये वो, हाँ ये धाबे जी पे मुर्गी के अंडे बेचते हैं। हमारी बेगम भी बहुत बोली है। वैसे अगर आपकी हंसी खत्म हो जाए तो ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका बिजनेस क्या है? बिजनेस? अब्बा यही बिजनेस है? आप हंस के भूल गए हो। बिजनेस? हाँ। शिप। शिप जहाज। जहाज पानी के। ये कौन सा है? ऊपर नीचे दोनों जहाज। अच्छा 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 अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी। जी जी, आसिफ को बुलवा दीजिए। आसिफ बोले, आसिफ को बुलवा दे, बराबर में बैठा हुआ है। बराबर में मतलब क्या? मतलब क्या बराबर में? बराबर में गया वो, बराबर में गया है। अच्छा बराबर में गया है वो, बराबर में गया है। नहीं आप बराबर आ जाए। नहीं नहीं आप आए, नहीं नहीं आएंगे, मैं आपको गुस्सा मारूंगा। ये कौन है आपके डैडी? डैडी है मेरे। आप कौन? क्या मैं सवेरा? सवेरा, ये देखिए अंधेरा। मिस्टर जी, आपका क्या बिजनेस है? बिजनेस है? सवेरा ने आपको कुछ नहीं बताया। मेरी बारी, मेरी बारी है, मेरी। मैं क्या कहते हैं आप? खबरदार, एक मिनट, खबरदार कोई भी हमारी बहू की तरफ आंख उठा के देखेगा, खुदा की कसम मैं नहीं छोड़ूंगी तुम्हारी बारी में, बहुत बड़ी गंद करूंगी। गंद नॉट गंद, माय बिजनेस। हां बिजनेस, माय बिजनेस। बिजनेस बता दीजिए। अच्छा, अल्लाह का दिया बहुत कुछ है मेरे पास, शुक्र है, सिवा इज्जत के। हाँ बिजनेस। बिजनेस क्या मसलन? मैं बाग में चिप्स उगाता हूँ। ये कौन सा बिजनेस है बाग में चिप्स? हमने तो आज तक नहीं देखा। नहीं, बाग में ठेला लगाते हैं चिप्स का ही। नहीं, पोटैटो।
पटेटो आसिफ की मंगनी नहीं होगी इस घर में। क्यों? दो छिछोरों को निकालो। क्या हो गया? देखो बदतमीजी कर रहे हो मेरी बहू के साथ। तुम यहाँ बैठो। बेटी ये तुमसे भी बड़े, ये तो आसिफ से भी बड़े। बेटी तुम यहाँ बैठो। अल्लाह ने मौका दिया, बेटी है किसी की। भाई हम ये पूछ रहे हैं कि माशाल्लाह आप पैसे वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पैसा है। बहुत पैसा, बहुत बड़ा बड़ा, बहुत बड़ा पैसा है इनके पास। अपने मियाँ जी इतना बड़ा तो रुपया है, ट्रेन की पटरी पे रखा था, ट्रेन गुजर गई थी, इतना बड़ा हो गया था। देखें ये क्या बदतमीजी है। अगर हमने अपनी बेटी इस घर में बयानी है, हमारे साथ ये सुलूक किया जा रहा है। सॉरी मैं इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। आसिफ की मम्मी माफी मांग, मैं आपसे तलाक ले लूंगी, मैं आपको बता दूँ। नहीं जल्दी जल्दी कीजिए। किस बात पे उसके बैठने पे हंसी आ रही है मुझे। आप वही बैठेंगी, आप यहाँ आएंगी, यार रिश्ते की बात। नेवर माइंड। अब आसिफ की बारात जाएगी ठट्ठा। अच्छा आप क्या कह रहे थे आसिफ के बारे में? एक मिनट, एक मिनट, तुम टांगे तो नीचे कर लो, ऐसा लग रहा है निहारी की देख पे बैठे हो यार। अगर ये कुछ गंद करे ना अपने जापानी, तो तुम मुझे सिर्फ इतना कहना आंटी अपने ससुर को मियाँ को आके समझाओ। ओके ओके, मैं रिश्ते की बात कर रहा हूँ। आसिफ की क्वालिटी देखिए, रिश्ते की बात बाद में होगी। सबसे पहले मैं आप तीनों से, यानी कि आप आसिफ के क्या लगते हैं? दोनों दोस्त हैं। दोस्त बहुत करीबी होता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आसिफ करता क्या क्या क्वालिटीज है, ताकि मैंने बेटी का मसला है। क्वालिटी आसिफ में? ओह माय गॉड, क्या क्वालिटी है उसमें, कुछ एक बता दीजिए। ओहो आसिफ में क्या क्वालिटी नहीं है, जरा बताइए। बोतल खुली, बोतल खुलने के बाद 21 का क्या कहना चाह रहे हैं ये मेरे नमाजी बेटे आसिफ के बारे में बेहूदा बात कर रहे हैं। कौन सा नमाजी बेटा? मैं तुमसे तलाक लूंगी, खा लूंगी। जल्दी जल्दी, मैं तुम्हारे जैसे आदमी के साथ नहीं रहूंगी जो मेरे ऐसे फरिश्ते जैसे बेटे आसिफ के बारे में। कौन सा फरिश्ते की बात करें? कौन सा नमाजी? तुम सही बोल रहे हो, अपने ससुर को समझाते क्यों नहीं? आंटी आप बैठो, आप बैठ जाए। मैं किसी के मामले में इतनी गंद तो नहीं करती थी। बैठ जाओ। इसका मतलब है मैं बीवी का लाडला हूँ, मुझे यूँ डांटोगी? बैठो। क्या कर रहे हैं आप? हमारी शादी की बात करनी है कि खुद लड़ना शुरू कर दिया? शर्म नहीं आती? बात करे, एक मिनट बात करे। झूठ बोले। ये क्या है मसला ये, और ये क्या है, सब क्या है? अंकल देखे, काशिफ के टाइम में मैंने इतनी गंद नहीं की थी। कौन सा काशिफ के टाइम? ये काशिफ है ना आंटी, मैं इतनी गंद तो नहीं की जितनी गंद ये कर रहे मेरे शोहर। सबर कीजिए आंटी, आप सॉरी माफ कीजिए। जानू जरा चुप कीजिए। जानू आप गलत कह रहे हैं, आसिफ जानू गलत कह रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं? जूता उतर नहीं सकता। तमीज से बात कीजिए। क्या तमीज से बात कर? क्या तमीज? आ जा ये देख लीजिए, तमीज से बात कर। आप बैठिए। अच्छा खासा डिफेंस का माहौल था, आपने कौन सा माहौल बनाया? मैंने बनाया। तुमने आप मुझे कुछ शरीफ आदमी लगते हैं। जी जी जी, आप बताइए आसिफ के ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है? आराम से भाई, एक मिनट अंकल, पुराने खो के आराम से मैं बताता हूँ। ये झूठ बोल रहे हैं, मैं बताता हूँ। अरे नहीं, क्या बात है आसिफ की? क्या बात है? शराब? बताऊंगा आसिफ के बारे में। मैं बता रहा हूँ कि क्या क्वालिटी है आसिफ में।
मैं बोल रहा हूँ आप पागल हो जाओगे। नहीं नहीं कर दो कर दो सही ना। तुम बताओ मैं पागल नहीं हूँ आसिफ। मैं बोल रहा हूँ तुम पागल हो जाओगे यार। अरे नहीं अब बताओ उसमें क्या कारण। आसिफ जब घर में आता है ना बाबा मैं बोल रहा हूँ आप पागल हो जाओगे। पागल आप बताओ वो क्या है। क्या आसिफ मोहल्ले में इतना मशहूर है बाबा। मैं बोल रहा पागल हो जाओगे। अरे नहीं होगा पागल यार। मैं बोल रहा था ना पागल हो जाएगा। नहीं होगा। नहीं मैं बताता हूँ। बता मैं बोल रहा हूँ कि बड़ा शरीफ आदमी है। वेरी गुड। हाँ मोहल्ले में काफी इज्जत है उसकी। माशा आप अपनी बच्ची की शादी करेंगे ना हाँ। इंशाल्लाह हम चारों खुश रहेंगे। चारों खुश। आप जानते नहीं है आसिफ की जेब में पैसा। नोट ही नोट। वेरी नोट नहीं होता। अरे आसिफ की जेब में नोट ही नोट। हर फंक्शन में लूटता है। लूटता है क्या मतलब। आप शादी की बात कर रहे हैं। सारे मेरे बेटे आसिफ के बारे में कर रहे हैं लेकिन आप सब मुझ पर मत कीजिएगा कि इसकी मम्मी ऐसी है। मम्मी बिल्कुल ठीक है। हाँ। बिल्कुल कैसे ठीक है। वो कहते हैं कि शराब पीते हैं। वो कहते हैं जुआ खेलते हैं। वो कहते हैं हम चारों साथ होंगे। मैं अपनी बच्ची की शादी इस घर में कैसे करूं। कैसे नहीं करेगा तुम। कैसे नहीं करोगे। कैसे नहीं करोगे। तुम्हारे भाभी का तुम्हारे वालिद के साथ क्या हो रहा है इस घर में। नहीं नहीं आप इस लोकल ट्रेन का बुरा ना माने। आप हाँ कर दे। आप शादी से इनकार करके दो दिलों को तोड़ रहे हैं। आप अपनी बच्ची से पूछिए कि वो आसिफ से प्यार करती है नहीं। अगर वो इनकार कर दे तो आप शादी ना कीजिए। प्यार करने के साथ जिंदाबाद। बल्कि मैं पूछूंगा। मैं पूछूंगा। तुम आसिफ से मोहब्बत करती हो। हां करती है लेकिन तेरे लिए हां नहीं करेगी। वो यहां हूं। आप इस घर में नहीं करना चाहते ना। मैं इस घर में आसिफ के साथ अपनी बेटी की शादी हर किसी ने नहीं करूंगा। हम किराए पे ले लेंगे। हम किराए पे दूसरा घर ले लेंगे। सुनो अगर तुमने आसिफ की शादी नहीं की तो मेरी लाश के ऊपर से जाओगे। क्या बात है। इधर आओ बेटी। हाँ? इधर आओ। डैडी। अरे अंकल मेरी बात तो सुने। अंकल सुनो तो सही। अरे अंकल एक मिनट एक मिनट। क्या कर रहे हो यार। वो अम्मी क्या हुआ। गुजर गुजर ये अभी तो उल्टा हो गया तो जिंदा हो जाएगा। वापस जा रहे मैं गुजरूं। गुजर जा। अल्लाह मैं नहीं गुजर रही। क्यों उसका कद नहीं पड़ेगा। तू भी नहीं कैसे कर सकते हम अपने बेटे की शादी। ये मुसलसल शख्स जो है हमें बदनाम किया जा रहा है। मुसलसल क्या हम मुसलसल खानदानी है। हम क्या हम लोग क्या वक्त में से खानदानी है। तभी से अरे तुम्हारे खानदान से तो अच्छा हमारा खानदान है। कौन का खानदान। एक मिनट आराम से आराम से। अगर मैं मम्मी नहीं होती ना तो मैं बता दू तुम लोग इस तरह का किसी के साथ किया। मैंने तेरे बारे में भी ऐसे नहीं किया। अब सिर्फ एक बात पे फैसला होगा। जी जी अब आसिफ को बुलवाइए। आसिफ आसिफ आएगा मैं खुद अपनी आंखों से देखूंगा। अगर वो लड़का मुझे पसंद हुआ तो मैं अपनी बेटी की शादी उसके साथ करूंगा वरना नहीं। ठीक है आप मेरे बेटे आसिफ से मिलना चाहते हैं। मिलना चाहता हूँ। मैं आपको मिला देती हूँ जल्दी। हट जाइए भाई जान। हट जाइए। कौन भाई जान। मैंने तलाक ले ली सैनी तौर पर तुमसे। तलाक ले ली खुला ले ली। तुम भी हट जाओ। आप आसिफ से मिलना चाहते हैं। मैं आसिफ। आसिफ कहाँ है। आसिफ आप क्या समझ रहे हैं। मैं चरस वरस भी। ओ ओ ओ ओ आसिफ जी तो ये सब कुछ क्या है। ये मैंने बस दोस्त के लिए किया था। मैंने हाँ। ये झूठी बातें कर रहे थे कि मैं नशा करता हूँ जुआ खेलता हूँ। वो आसिफ दूसरा है जो दुबई में पकड़ा जाता है। मैं ये वाला ये हम सब झूठ बोले थे मजाक कर रहे थे। ये तो इसका शौक है। लेकिन ये कपड़े लेडीज ये लेडीज कपड़े क्यों पहने हुए। ये जुबैर शकूर ने दिए मैंने पहन लिए। क्यों कह रहा डैडी डैडी तेरे तो बाप जितने हैं वो। तुम्हारे डैडी कहाँ से आ गए। अंकल खुदा की कसम मैं बहुत नेक सीरत हूं इनको पूछ लो। हाँ ये सब मैं बहुत शरीफ बहुत शरीफ आदमी है। आपको पता है जुम्मे की नमाज ये बुध को ही पढ़ लेता है। देखो बेटा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा कारोबार क्या है। तुम करते क्या। कारोबार मैं मेहनत का आदमी हूँ। मुझे कोई भी दिहाड़ी दे दो मैं चला जाता हूँ। मैं हर काम कर लेता हूँ। बजरी भी उठा लेता हूँ सीमेंट भी उठा लेता हूँ। शर्म नहीं है मुझे किसी काम में। ठीक है दादा शुक्र है। मैं गाड़ियाँ भी धो लेता हूँ सब कर लेता हूँ। मेहनत मजदूरी कर लेते हो। मेहनत मजदूरी में काहे की शर्म है अंकल। तो फिर एक बात मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ। आप भी कहीं दिहाड़ी लगा दो। मेरे कहने का मतलब है कि मैं भी कोई अमीर आदमी नहीं हूँ। पैसे वाला नहीं हूँ। आप पैसे वाले क्या। ये वो बोलिया ना इंडिया के ड्रामा में। एक मिनट ऐसे भी होता है। देखो मैं
है कोई पैसे वाला? अगर तुम पैसे वाले नहीं हो तो मैं भी बाप नहीं हूँ। देखा, सब गोल्ड लीफ के पैकेट में बाबू की भीड़। लेकिन मैं फिर भी इसका बाप हूँ। और आसिफ, मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, मैं कोई करोड़पति पैसे वाला नहीं हूँ। अच्छा जी, मैं सदर में जूस बेचता हूँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और सीधे पकोड़े वाले से ये सूट लेके आया हूँ। मैंने ये भेस इसलिए बदला कि मेरी बेटी, क्योंकि बेटियां अल्लाह की तरफ से रहमत होती हैं, लेकिन आजकल की महंगाई और जहेज की लानत ने उन्हें जहमत बना दिया। अब चीनी बिक्री 80 रुपए किलो हो गई है। मैं ये चाहता था कि मैं अच्छे लिबास में जाऊंगा, मेरी बेटी को आप पसंद कर लेंगे और मेरी बेटी इज्जत की दो वक्त की रोटी खाएगी। आप फिक्र ना करें, ये इज्जत की रोटी खाएगी, बल्कि इज्जत की हमें भी खिलाएगी रोटी। देगी हमें रोटी के, ये लो खाओ। आप शादी के लिए राजी हो गए? राजी हो गए बेटा, मुझे आसिफ पसंद है। पसंद है तो फिर छोड़ो, फिर एक काम करते अंकल, आप राजी हो गए, आप जूस वाले? ये कोट मेरे को खपे। कमजोरी बता दी हो, देख तू फिक्र नहीं कर, मैंने सब अपने सब दोस्तों को बता दिया, ठीक है, तो इसके सामने कोई एक्शन नहीं बोलेगा। बल्दे जी, मैं इस चीज की बड़ी कमजोरी है, ठीक है, मैंने बता दिया। हाँ।
ठीक है, अब इस लड़की से ना मेरा बाप बनके शादी की बात पक्की करनी है। फिकर नहीं कर, कुछ चिरान नहीं करियो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, बस तू ख्याल करियो मेरा। ओके, कोई भी नहीं बोलेगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या
ओए माशाल्लाह क्या हाल है ठीक है नूनिशा के मदार से आना सीधे कवाली का माशाल्लाह दौलत कहां है आपकी भाई कौन है ये लोग दोस्त ने मैंने बताया ना तू दोस्त मेरे अच्छा अच्छा आइए अब आइए ए दर किए पे आइए किए पे आइए अब आइए क्या बात है भाई कौन है ये ये वो बता था ना तुम्हारे को लड़की का तू क्या अभी थप्पड़ गया इधर से अच्छा 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 मैं ये कह रहा था बैठे हुए दोनों बहुत अच्छे लगते हैं एक एक्शन हो जाए तुम्हारी माँ की कसम है खुदा के लिए अच्छा वैसे नहीं नहीं आपको बात नहीं हो रही इसको मना किया कि नहीं बोल रहा फिर भी जान के एक्शन अचानक बोल तू तो बना के बोल रहा वो तो मार देगा जान से उसको एक मिनट यार खुदा को मारो यार क्या हुआ भाई आपको क्या हुआ एक मिनट ये सोच रहे मैं रिश्ता कर रहा हूँ मार खाने आया हूँ अरे नहीं बोलो यार बेचारे को अच्छा बात सुनो यार मुझे कपड़े भी धोने हैं यार
आपका नाम भी बीच में आ गया। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, आप कैसे लेटे थे देखना, एक मिनट मैं फोटो बना लूं। नहीं नहीं नहीं, वही वाला एक्शन लाओ। देखो तो यार, मेरे को करना ही नहीं है शादी, अपनी बेटी की शादी करनी नहीं। नहीं नहीं, एक मिनट, और बात बात है, अरे नहीं, इसका तो एक्शन ही खत्म नहीं होता। शादी की बात कर लो, वही तो कर लिया हूँ मैं, खुदा को मानो, बैठ के बात करो, बैठ के बात करो, बैठ के होगी बात, मेरे को समझ नहीं आ गया रे, बात बैठ के होगी। काशी इधर आया, काशी चला जा यार, आ मैं तेरे को बोलता हूँ अभी, देख शादी की बात कर, वही कर लियो बेटा। हाँ भाई, मेरे को पता नहीं है कि तेरा क्या क्या खानदान है, मेरे को बता, खानदान बताओ अब्बा। ठीक है, मैं सही कर देता हूँ, बड़ी अच्छी, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना एक्शन खुद जानता हूँ। चले, बच्ची के बारे में बताएं। बहुत शरीफ है, पूरा मोहल्ला शराफत की कसम खाता है। कितने दांत किए, दांत की क्या, वो बच्ची आए क्या? सही कह रहे हैं, वो पूरा मोहल्ला शराफत की कसम खाता है कि शराफत से सेट है वो। क्या बात करते हो, कौन है ये, कौन है ये, दोस्त है मेरे, तुम छोड़ो। अरे यार, तुम खा रहे हो, उनकी बात चल रही है, तुम खामा का एक्शन कर रहे हो। कट कर, कट कर, बैठ, चल बात कर, इसको बता, अपने बाप को बता। असल में मेरा बाप निशानेबाज था। अच्छा, बहुत बड़े शिकारी, बहुत बड़े शिकारी, शिकारी, बताइए किस्सा क्या। मेरे दादा का निशाना मशहूर। अच्छा, किसका? दादा का। अच्छा। ऐसा निशाना लगाते ने एक दफा दरख्त पे मटका बांधा पानी भर के, पिस्तौल से निशाना मारा, हाँ। ने पानी नीचे मटका ऊपर। क्या एक्शन दे यार। बताइए किस्सा। लो भाई, क्या दे रहे हो, अगर कोई चीज कम पड़ गई फिर मैं नहीं दूंगा, बता रहा हूँ मैं। अरे तेरे वालिद के वालिद का बता रही हूँ। अच्छा बता दो। निशाने में बात आई, वो भी ऐसे निशानेबाज थे। और इसके अब्बा? हाँ, इनके दादा। अच्छा दादा। हाँ। उन्होंने एक दिन निशाना लगाया, मटका रखना भूल गए, गोली चल गई, गोली से पहले भागे, मटका रखा, मटके में गोली लगी, पानी ऊपर मटका नीचे। आपने छोकरा मेरे को पसंद है। लो भाई, मुबारक हो फिर, लड़की का रिश्ता पक्का। शादी वाले दिन मैं तो चाह रही हूँ कि फंक्शन भी रखा जाए। ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं, लड़कियों का फंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नहीं देखो, फंक्शन में लड़कियाँ आएंगी ना, तो फिर वो अजीब अजीब ऐसा करेंगी। ये क्या कर रहा है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, ठीक है, बोला नहीं है मैंने, बट ठीक है, आप बोल दो फंक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, रिश्ता पक्का होगा, फंक्शन नहीं होगा। लो भाई, मुबारक हो, मुबारक। अरे यार, अबे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों क्या चलना, शाम को अफ्तारी है ना, हमने पतोड़े चलना। अबे नहीं यार, अबे तुम्हें पता ही, अबे किलकित का मैच देखो, किलकित का मैच क्या हो गया? अबे मेरे भाई शाहिद आफरीदी क्या चौथे छक्के मार रहा, और क्या हैस्टल है यार। क्या बना के बैठे हुए, कुछ नहीं, आ जाओ ना, कुछ ना करो, आ जाओ, आइए आइए, आ जाइए आ जाइए, कुछ नहीं कर रहे हो आप मुझसे, अरे पला वाला नहीं काटे, आ जाइए सर, बोल आइए, अंकल आइए, आ जाओ, रिश्ता पक्का, हां शादी पक्की, आइए आइए आइए, कौन जा
जमशेद भाई। अरे आपका नाम जमशेद नहीं है? शमक शमशेद। शमशेद कौन? शमक शमशेद साहब, आज कितना खुशी का दिन है कि मेरी बिटिया रानी की शादी है। हमारी भी बेटी की शादी हुई है। ए भाई, वो तुम्हारी बेटी हमारी बेटी एक ही हुई ना। ए भाई, ए पागलों ने खुशी के मौके पे लड़ते नहीं है। खुशी नहीं, खुशी है ना, वही तुम्हारी वाली यार। भाई बच्ची है, कहाँ है? अच्छा नाम सवेरा बेटा। मेरा बच्चा आ जा। ये मेरी बेटी है, मुझे मालूम है। ये वाली मेरी है। अब कहाँ रही तुम्हारी? शादी हो गई तो भाई पराई हो गई। ये मेरा कुल सरमाया, मेरी जायदाद, मेरी जान, मेरा खून, लगते जिगर, नूरे नजर, चश्मे बदूर। बस बस, छोकरे का छोकरे भाई, वो भी कमरे में होंगे। मैं देखता हूँ बच्चों को। भाई बेटो, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। लो भाई खुशी है तेरा कुछ। आ जाओ भाई, आ जाओ। भाई सबकी शादी हो गई, ये चंदा मेरी पेटी में डाल दो। चंदा तेरी पेटी में डालने? शाबाश, हम पेटी ना लूट के भाग जा। अच्छा मुबारक हो। अबे अबे मुंह तो दिखा। अबे ये भी मुंह को दिखाने वाला है क्या? देखो दूल्हा होता कैसा, ये देखो कसम खुदा की, ए दूल्हे को है ना बर्फ में रख दो, शाम तक खराब हो जाएगा। मैं बता दूं दूल्हों को बिठा दो। भाई भाई बैठो बैठो बैठो, एक मिनट एक मिनट, आ बैठो जानू। अरे भाई ये जब ये अपनी बीवियों के साथ बैठ सकता, हमारे भी पियर बनाओ, अपने अपने पियर को लेकर चले। अभी अभी नहीं, अभी निकाह नहीं हुआ, वहां बैठो। हो क्या है, हो गया है जाहिल। अरे तू बाहर गया हुआ था, हमने निकाह करा दिया सबका। आपको कहा था ना कि जिम से ना पीना शुरू करें आप, इतना नहीं पता आपको? अरे क्या लूट पड़ गई क्या? क्या कर रहे हो ये? दूल्हे की फुर्तियां दिखा रही है। अरे गौर से देखो, मेरे दामाद के चेहरे पे नूर आ रहा है। नूर की बात नहीं करो अब्बा, वरना सही है नूर आ जाएगा। क्या ये ऊपर रखा हुआ है? ऊपर से क्या बारिश हो रही है क्या भाई? मेरे को चंदा खपे। अरे इधर भी नूर आया है। तो फिर तो मैं बेकार चेहरे बांध के आया हूँ जब नूर आया। चेहरे पे नूर आया। अच्छा चेहरे पे आया। अच्छा जी मुबारक हो, सबकी शादी हो गई। मुबारक अंकल, मुबारक हो। क्या हुआ? मुबारक हो, मुबारक हो। अब ये नहीं पूछना क्या तल ले हो, अब कोई नहीं तल लिया, सब बेड़े में। भाई समझ नहीं आ रही तुमने, ये तमीज क्यों पीछे बांधी हुई है? अरे भाई मैं जब भी यहाँ तमीज पहनते आता हूँ, मेरी तमीज तो उतार देता है यार, तो तमीज पहन ले तो फायदा। तमीज से बाहर निकलते बेचारे, हर आदमी यही कहते हैं यार, इस घर में तू जाता तमीज से बाहर निकलता बगैर तमीज से, तो या तो घर वालों के साथ बुरा हो रही है या तेरे साथ बुरा हो रही है। चाचा भाई एक बात सुनो भाई, इतनी देर से आया हुआ हूँ काशी, तुम्हारी अम्मी कहाँ है? वो किसी और की अम्मी बनने गई है। एक बात सुन लो, सूखी सूखी शादी में मुझे नहीं मजा आ रहा, जश्न होना चाहिए यहाँ पे, ये बता।